するし、でこぼん Once again めくりわくしへぶと Once again はるそばばいえらふせちゃらへ Once again ほうちゃしょにえさぶせばらへ Once againHello, hello, hello. Good evening to all of you. Rizwan Haider emotionally welcome you in this video. तो जनाब कमाल कर दिया अफगानिस्तान ने और तीसरी बड़ी फतह इस वर्ल्ड कप की अपने नाम की है और पहले इंग्लैंड की बारी आई हम बड़े खुश थे एना नहीं से पता साड़ी बारी भी आ जानी है फिर हमारी बारी आ गई और आज श्रीलंका की बारी आ गई मोहसिन भाई ने बिल्कुल स्पॉट ऑन बोला था अफगानिस्तान जीतेगा और बिल्कुल अफगानिस्तान आज वन साइडेड विक्ट्री और देखिए कितने आराम और सुकून से चेस कर रहे हैं ये बड़ा अप्रिशिएट करने वाली बात है पहले तो एक अच्छी पिच पे रोका बिल्कुल अच्छा टोटल पे रोका 241 और फिर चेस की जब बारी आई है इनकी जो कामनेस है उसकी बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी कि आज देखें हालांकि इनके जो ओपनर्स हैं उन पर यह टीम बहुत डिपेंडेंट है आज कुछ नहीं किया उसने गुरबाज ने ही इज अ वेरी डेंजरस बैट्समैन कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी देखें जिस तरह से रहमत खेला है शाहिदी मुसलसल दूसरे मैच में दो बड़े चेज किए हैं उस दिन भी नॉट आउट था और आज भी अपनी टीम को नॉट आउट भी है और मैच भी जिता के आया 50 भी की है और वो उमर जई बच्चा अमेजिंग जॉब डन बाय हिम अब देखें हम तो अरसे दराज से इसी कोशिश में थे कि भाई हमें कोई फास्ट बॉलिंग मिल जाए ऑलराउंडर जो थोड़ी बैटिंग भी कर ले बॉलिंग भी कर ले तो हमने बहुत साल इन्वेस्ट किए फहीम अशरफ पे फिर भाईजान बेकार हाईएस्ट 28 रन उसने शायद किए थे और उसने बेताशा चांसेस उसको भी मिले तो हमें तो कोई नहीं मिलता लेकिन देखिए अफगानिस्तान ने कैसे ग्रूम किया है टोटल 350 इसकी उमर सही लड़के की और दो वर्ल्ड कप में आई है अभी इंडिया के खिलाफ भी उसने अच्छे रन 62-63 किए थे और आज भी देखिए जो प्रेशर था आके सब खत्म कर दिया रन अ बॉल 50 वहां पे छक्के भी मारे चौके भी मारे सिंगल डबल भी बड़े शानदार और ये 6-7 ओवर भी करता है उनके लिए और आज भी विकेट लिया उस दिन भी आज निशांका को ऊपर से आउट किया इसने इमाम की विकेट भी उस दिन ली इसी पेस पे इमाम को भी चलता किया तो ये बहुत अच्छा पैकेज है कि 6-7 ओवर करो एक आधा विकेट ले जाओ और फिर बैटिंग में भी आके शानदार बैटिंग करो तो आप इनसे देखें बजाय इसके के हम अब पास्ट की बात करते रहेंगे तो पास्ट है वो तो गुजर गया अब हम जहां पे खड़े हैं वहां पे देखना है तो पाकिस्तान की टीम में इतने साल बीत गए जब से अब्दुल रजाक गया है रिटायर हो गया तो उसके बाद से पाकिस्तान को कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिला ही नहीं कि जिसपे आप थोड़ा भरोसा कर ले कि जो 7-8-10 ओवर कर रहा 10 नहीं तो 7-8 ही कर दे जैसे ये कर रहा है और बैटिंग में भी आप उस पर थोड़ा भरोसा दिखा दें तो ये आपके सामने है कैसे प्लेयर को ग्रूम किया है और राइट बिफोर द वर्ल्ड कप उसको जिस तरह प्रमोट किया है नंबर 5 पे भेजते हैं अपनी जॉब डन करके जाता है बॉलिंग भी करता है बाकी तो इनकी टीम पिछले 2-3 साल में देखें तो ज्यादा नाम और मुकाम इनका स्पिन बॉलिंग को ही लेके था पूरी दुनिया में लेकिन आपके सामने ही है ओपनिंग सेट कर ली वो गुरबाज और इब्राहिम बड़ा अच्छा इब्राहिम टेक्निकली सॉलिड है नीचे मिडिल ऑर्डर पे इन पे क्रिटिसिज्म हो रहा था नहीं कर रहे परफॉर्मेंस आपके सामने परफॉर्मेंस मिडिल ऑर्डर भी शुरू कर दिया ये उमर जई स्पिन डिपार्टमेंट की तो जरूरत नहीं है फास्ट बॉलिंग में देवर अ बिट बिहाइंड वो फारूकी वगैरह आगे वो भी कमी पूरी हो गई तो बिल्कुल बहुत ही शानदार और बेहतरीन किस्म की ये टीम सामने निकल के आई है और हालांकि पहला मैच अभी तक मिस्ट्री है कि इतनी अच्छी टीम होने के बाद ये बांग्लादेश से कैसे गंदा मैच हार गए और उसके बाद जो इन्होंने किया तो भाई जान इनका वर्ल्ड कप सफल है अभी तक ये सेमीफाइनल की रेस में है दे हैव 3 मैचेस और दे हैव 3 मैचेस दे ऑलरेडी हैव 6 पॉइंट्स ऑन द टेबल नेदरलैंड साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से भी मैच बाकी है इस पर गुफ्तगू होगी साथ में भाई गुफ्तगू होगी जो पाकिस्तान में तमाशे चल रहे हैं दूसरी टीमें जाके जीत रही है मैचेस हमारे वाले जो बोर्ड है वो अपने खिलाड़ियों के पीछे ही पड़ा हुआ है तो उस पर भी जरा गुफ्तगू होगी इंजमामुल हक ने भी रिजाइन कर दिया तो वो भी जरा गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा टॉपिक जी मोहसिन अली साहब बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हैट्स ऑफ टू अफगानिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड इवनिंग सत श्री अकाल नमस्कार अफगान जलेबी अफगान जलेबी वाकई तो भाई जान अफगानिस्तान ने देखें आपने रहमत शाह का नाम ले लिया रिजवान हैदर साहब आई एम सरप्राइज कि उसने पिछले मैच मिडिल ऑर्डर मैंने बोला ना कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर मतलब आपने शादी का नाम ले लिया अजमत का तो मैं मेरा ख्याल था पहला नाम रहमत के ही लेंगे हालांकि वो पिछले 2-4 मैचों में बेकार था
पाकिस्तान, देखे पाकिस्तान की वो टीम है जिसको मर्जी खिला दें, पाकिस्तान के साथ वो फॉर्म में आएगा, रनजे भी करेगा, विकटे भी। यार इतना तू मिलाएं काम जो ये चेज कर रहे हैं, खुदा की कसम मुझको ऐसा लगता है कि जैसे रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहा है, अब आपकी मर्जी है रोहित और गिल में जो है वो रोल, आप इब्राहिम को किसका रोल दे रहे हो, गुरबाज को किसका रोल दे रहे हो, आपकी मर्जी। रहमत शाह जो रोल प्ले कर रहे हो विराट कोहली का, केएल राहुल का रोल है शादी का, और ये आज अजमतुल्ला ने जो खेला है आप ये समझ लो हायर या स्काई है, कभी कभी जो चलेगा आप ये कर लो। तो रिजवान हैदर इतनी कंपोज चेस, इतनी खौफनाक चेस, इतनी अंडे पे चौथी बाल पे अंडे पे गुरबाज जैसा बैट्समैन, आपकी कमर टूट जाती है। क्यों? कि चेज इज नॉट माइनर। देखे 241 रन की अजमत की और इसकी अनब्रोकन पार्टनरशिप है चौथी विकेट, बिल्कुल, लेकिन अंडे में 73 पे पहली विकेट गिरी, दूसरी और 131 पे तीसरी, यानी रिजवान साहब हर एक अंडा छोड़ के 73, 50 odd, 100 odd की पार्टनरशिप। ये है चेस। कोई शर्म करे, कोई हया करे कि हम लोग क्या। देखे अफगानिस्तान ने 3 वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया, इंग्लैंड मौजूदा, पाकिस्तान श्रीलंका पास्ट, 3 वर्ल्ड चैंपियंस आर डूम्ड, डूम्ड, स्टंड, रैटल्ड बाय अफगानिस्तान टू होम, कमाल, टू होम ओनली, ओनली चांस वाज अगेंस्ट पाकिस्तान और नीदरलैंड्स, ओनली चांस के पाकिस्तान के साथ ये तगड़ा खेलते हैं, जीतते नहीं है, तगड़ा खेलते हैं, लड़ते हैं, चांस ये था। भाईजान रेनिंग वर्ल्ड चैंपियंस इंग्लैंड डूम्ड, 92 वर्ल्ड कप चैंपियंस पाकिस्तान डूम्ड, 96 वर्ल्ड चैंपियंस श्रीलंका ग्लूम्ड। तो भाई ये है अफगानिस्तान, हैट साहब है जिस मुल्क में, 70s से लेके 2022 तक सिर्फ बमबारी, गोलेबारी, सिविल वॉर, आग, सिविल वॉर, अमेरिका की वार, रशिया की वार, प्रॉक्सी वार, वो मुल्क जो एक भी प्लेयर अपने घर नहीं खेला, इंडिया, यूएई, पाकिस्तान, पाकिस्तान शुरू में, बाद में इंडिया और यूएई में ये खेल रहे हैं। हैट्स ऑफ टू दीज यंगस्टर्स, दे हैव नो एक्सक्यूजेस, नो बानेबाजी, नो ड्रामेबाजी, नो फुतुइज्म, नो टट्टूइज्म, नो ढीले कोट वाली सरकार, नो दाढ़ी वाली सरकार, नो ड्रामे वाली सरकार, नो बेईमानी वाली सरकार, नो माल पानी वाली सरकार, नो हराम खोरी वाली सरकार। और कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, हमारा सलूट है। अच्छा रिजवान साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने इनको इसलिए नहीं पिक किया था कि ये अच्छे लग रहे हैं मुझे, ईमानदारी से बता रहा, कॉन्फिडेंस मेरा ये था नहीं कि यार ये डिजर्व करते हैं जो इनके साथ, जो भी देखे कुछ घटिया लोग, सरवरी जैसे भी ग्रेट लोग है ना, कुछ घटिया लोग होते हैं, बेगारत होते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान आई वॉज डैम श्योर के दे द वे। देखे अब जडेजा को आपने उस दिन क्रेडिट दिया, ऑब्वियसली जडेजा स्कूल ऑफ थॉट क्या है, गंगुली, अजहरुद्दीन, भाई जरा नाम सुनिएगा, तेंदुलकर, विनोद कांबली, ये सारे, इवन नवजोत सिंह सिद्धू, ये गावस्कर भी आप डाले इसमें, तो ये इस क्लास से, राहुल द्रविड, तो ये जब आप क्लास से निकलते हैं ना, अगर आप पे साया पड़ जाए, सिर्फ साया, साया होता है ना धूप में, आप जा रहे हैं आपका साया साथ चल रहा है, सिर्फ इतना पड़ जाए ना एक प्लेयर पे जिसने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियों में खेला हो, तो भाई ये है, ये कूलनेस। आखिरी बात मेरी ले ले, मुझे आज भी याद है जो इसने वकार यूनस के साथ किया था 96 के वर्ल्ड कप में, धो के रख दिया। भाई जान ये बंदा, इन्होंने बड़ा सही पिक किया, और इन्हें चाहिए एक्सटेंडेड रोप दे। यू नेवर नो, अफगानिस्तान इन द चैंपियंस ट्रॉफी, इंग्लैंड आउट, श्रीलंका आउट, बांग्लादेश आउट, पाकिस्तान क्यों बच गया, होस्ट है। नीतीश झा के जनाब सलाम, डिस्कस रोल ऑफ अजय जडेजा जी, अभी अभी बात किया मोहसिन भाई ने, अभी मैंने कहा, और देखिए बात इसमें यह है कि अजय जडेजा बहुत बेहतरीन क्रिकेट का माइंड है,
और क्रिक बस में वैसे बैठ के बातें क्या करते थे, लेकिन इस दफा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना इनके साथ, अफगानिस्तान के साथ, तो ही इज नॉट देयर। लेकिन अगर यूट्यूब रिकमेंडेशन में कभी उनका वीडियो आ जाए तो मैं अक्सर कोशिश होती है कि वो सुनूं, तो बड़ी अच्छी और खूबसूरत क्रिकेट में बातें करते हैं, टेक्निकल भी और हर लिहाज से। रुकी को दिया मैन ऑफ द मैच, तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की वो बातें करते हैं क्रिकेट को लेके भी, और ये भी बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं। चले मेरी तो खैर है 25,207 है, आई लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अगर जुदेजा की आपको पसंद आई है तो लाइक करें, रिजवान साहब की अनबायस टू द पॉइंट बातें पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर अफगानिस्तान का ये आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी मक्खनबाजी ड्रामेबाजी तो बहुत होती है, मैच से पहले बताना होता है कौन कैसे क्या करेगा, ये नहीं बताना होता रिजवान ने श्रीलंका ले ली, मोहसिन ने अफगानिस्तान ले ली, लेकिन आज तो ऐसे ही हुआ। वैसे बता रहे बात दरअसल ऐसे है कि ये बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेला था इन्होंने, और अजय जडेजा को इन्होंने हायर किया है वर्ल्ड कप के लिए फिलहाल, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस है, एक तो ये कोशिश इनको करनी चाहिए कि मजीद भी आगे थोड़ा एक्सटेंड करें और उसकी खिदमत से फायदा अभी तक रखे भाई। बाकी देखें बात दरअसल ऐसे है कि इसके साथ साथ जिस तरह का उनका जो कोच है, हेड कोच ट्रॉट, कुर्सियां नहीं मारी, अपनी कैप नहीं फेंकी, बोतलों पे ठुड्डे नहीं मारे, वो आराम से काम एंड कूल बैठा रहता है। जब ये गंदा मैच हारे थे न्यूजीलैंड से 149 रन से, तब भी वो उसी तरह रिलैक्स्ड बैठा हुआ था। जब 282 पाकिस्तान के खिलाफ चेस किया, ही वाज कूल एंड काम रिलैक्स्ड, इवन टुडे ही वाज काम। तो ये कोच का ये काम है, जब कोच ही आपका पैनिक बटन है, अब वो कोच ही वहां पे ड्रामे कर रहा है बैठ के ड्रेसिंग रूम में, इधर की चीजें उधर उधर की उधर उधर की उधर, तो वो ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसे काम रह सकता है, वो कैसे पुरसकून रह सकता है ड्रेसिंग रूम। ये क्रिकेट का खेल ऐसा, तो ठुड्डे छुट्टे मारने से तो काम नहीं बनता, ये तो मैदान में जो जाके जो परफॉर्मेंस दिखानी है वहां पे, जो भी प्लानिंग दिया उनको बोलो कि वहां पे जाके करें। तो ट्रॉट की भी, इनकी, और साथ सबसे बढ़ के प्लेयर्स की जिन्होंने एग्जीक्यूट किया। सही बात है कि बाहर से आप जितनी भी प्लानिंग दे दें, लेकिन जाके जो प्लेयर्स हैं अंदर, उन्होंने खेलना होता है। नहीं, जब आप शोर होते हैं ना रिजवान साहब, तो एग्जीक्यूशन भी होती है, तो उनका भी बड़ा रोल है, बहुत तारीफ के काबिल है जिस तरह। और पहले भी उस दिन जब पाकिस्तान को हराया था, आपके नॉलेज में लेके आए थे, आप तमाम दोस्तों को पता ही है कि अफगानिस्तान ना ऐसी कंट्री है इस पूरे वर्ल्ड कप में या बाकी भी, कि अपने मुल्क में अभी तक वो एक इंटरनेशनल मैच नहीं करवा सके हालात की वजह से। हमारी बेस्ट विशेस हैं कि आगे फ्यूचर में वो दिन भी आए कि जब काबुल के मैदान में वो इंटरनेशनल मैच खेलें, और बाकी तमाम वो वैसे भी वो डोमेस्टिक के मैचेस में पूरा भरा होता है, तो इंटरनेशनल में तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे क्या होगा। तो हमारी बेस्ट विशेस हैं उनके साथ कि वहां पे इंटरनेशनल मैचेस अपने होम ग्राउंड में भी खेलें, क्योंकि ये तकलीफ से हम 10 साल गुजरे हैं, पाकिस्तान में 10 साल के लिए क्रिकेट नहीं हुई थी, तो हमें पता है हमारे जो लोग हैं यहाँ पे वो काफी तरसे हुए थे इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर, तो बहुत अच्छी बात है। और चैंपियंस ट्रॉफी अब 2025 में पाकिस्तान में है, दैट वुड बी नाइस। अफगानिस्तान की टीम उसमें, अभी इनके देखें 3 मैचेस बाकी हैं, नेदरलैंड वाला, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाला। चलो अगर वो मान भी लो जरा थोड़े टफ है, लेकिन जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस क्रिकेट यू नेवर नो, अगर साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से हार सकता है, उस दिन पाकिस्तान से भी वो जीता हुआ मैच ही ड्रामेबाजी करके हारते बचे हैं, तो यू नेवर नो, इट्स क्रिकेट। और नेदरलैंड से भी इनका मजेदार किस्म का मैच होने की तवक्को है, तो ऑलरेडी इन्होंने क्रिकेट फैंस के जो दिल है वो जीत लिए, 3 जीतों के बाद ही 3 दिल जीत लिए हैं। और अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर जुबिलेंट। क्या पता हमारे नसीब में भी 3 विकेटें आए या ना आए, 3 जीते आए ना, कल नहीं है ना भाई, कल बांग्लादेश अगर हमारा मैच है, तो पीपल हूएवर वाचिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, आई हैव बीन टू अफगानिस्तान, मैं गया था 2013 में, अच्छा खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी नेचुरल ब्यूटी है, एंड बाय द वे आई वेंट बाय रोड जाते हुए आप और भी एक्सप्लोर करते हैं, तो पीपल इन जलालाबाद, काबुल, कंधार, वेयर एवर यू आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपका बहुत ही शानदार वर्ल्ड कप है, और आप इंजॉय करें, और टीम भी बड़ी बेहतरीन और शानदार। वेल डन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जॉब डन।
अजय जडेजा हैज सम इंपैक्ट ऑन देम। जी अभी इसी पे बात की है शुभंकर दास साहब। बिल्कुल बिल्कुल पाजी पाकिस्तान सेमीफाइनल किधर जा सकता है जी दसो। कार्नेल जी अमर जॉयल जॉनसन मैं देख रहा था वो ट्वीट मुफद्दल बोहरा का, उसने जी ये इसको हराया इसको हराया इसको हराया पता नहीं क्या क्या पूरा इतना कोई सिनेरियो किया हुआ था। पाकिस्तान के लिए बेस्ट ये है कि जी न्यूजीलैंड अपने तीनों मैच हार जाए और पाकिस्तान तीनों जीत जाए, जिसमें से एक मैच इन दोनों का आपस में भी है, तो ये सिनेरियो है। अब देखते हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भी ठीक जा रहा है भाई। अब अफगानिस्तान के अगर तीन मैच हैं उसमें से दो अगर ये जीत जाएंगे तो फिर नेटरानेट पे बात चली जाएगी। तो लेट्स सी, अगर आपने चूंकि सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में पूछा है तो मैंने आपको बताया न्यूजीलैंड तीनों हार जाए पाकिस्तान तीनों जीत जाए तो यही राह है और यही एक तरीका है। बाकी जो भी आपको इधर उधर की बातें कहानियां सुना रहा है वो बस अब सुनते जाएं। सीधी सीधी सी ये बात है कि अब ये टाइम आ गया कि आपने तो तीन जीतने हैं और उनके भी तीन, चलो आपका एक तो न्यूजीलैंड से ही पाकिस्तान का टाकरा है वो वाला मैच, तो चलो इनको पता है कि इनकी के साथ जोर टक्कर लगा लेंगे, लेकिन एक उनका साउथ अफ्रीका से न्यूजीलैंड का, एक श्रीलंका से। अब श्रीलंका आप देखो जिस तरह की परफॉर्मेंस है, न्यूजीलैंड को इस श्रीलंका के लिए हराना बहुत मुश्किल काम है। सो लेट्स सी, फिलहाल तो हम अपने मैच जीते ना, बाकी बातें तो बाद में। अभी तक तो टेक्निकली हमारी दो जीते हैं, अफगानिस्तान पहुंच गया पांचवें नंबर पे और आप आगे सातवें नंबर पे, वो पाकिस्तान इस मैच से पहले छठे पे था और श्रीलंका पांचवें में था, तो पांचवें में से वो भाई साहब अब अफगानिस्तान जो है वो आ गया पांचवें पे और श्रीलंका आ गया छठे पे, तो पाकिस्तान है सातवें पे। चार मैच जीते हैं पाकिस्तान श्रीलंका ने, अफगानिस्तान ने आप सॉरी चार पॉइंट पे पाकिस्तान और श्रीलंका, और अफगानिस्तान छह पॉइंट के साथ पांचवें नंबर पे है और नेट रन रेट भी इन्होंने थोड़ा सा इंप्रूव किया है क्योंकि 28 गेंदे पहले ये जीतने में कामयाब हो गए, तो बहुत ही सात विकेटों से एब्सोल्युटली वन साइडेड मैच। और नेट रन जब इन्होंने देखा कि जी मैच जीतने के बिल्कुल करीब पहुंच गए, अच्छा किया थोड़ा तेज खेले ताकि नेट रन रेट पे थोड़ा सा, अस्मतुल्लाह ने स्पेशली तेज खेला है बाद में। हाँ, तो आप ये 0.718 है माइनस में इनका नेट रन रेट, बिफोर दिस मैच इट वाज 0.97, तो फर्क डाला है इन्होंने तकरीबन 250 पॉइंट्स का, तकरीबन ये कम करके लेके गए हैं डेफिसिट। और अमन दावर कह रहे हैं मोहसिन सर ग्रेट, आई फील अफगानिस्तान इज गोइंग टू फिनिश टॉप फोर, साउथ अफ्रीका टू बीट न्यूजीलैंड in the next game, great analysis, thank you जी, जी top four में वो कह रहे हैं अफगानिस्तान मुश्किल है जी। अमन दावर साहब अभी देखो actually match साउथ अफ्रीका से है और वो दूसरी क्या टीम है ऑस्ट्रेलिया, तो जरा मुश्किल है और जरा एक आधा कोई पहला मैच इन्होंने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारनी, वो जो बांग्लादेश वाला जो मैच हारे है ना उसने बड़ी गड़बड़ कर दी है अब इनका, वरना दे न्यूजीलैंड से भी गंदा आ गए। इस अफगानिस्तान फॉलोइंग इंडियन फुटस्टेप पुटिंग अपोजिशन इनटू बैट एंड रिस्ट्रिक्ट देम बिलो 280 एंड चेस, थ्री बिग टीम्स वेंट डाउन एंड मिडिल ऑर्डर डिड द ग्रेट जॉब। सर साहब आपने लेट ज्वाइन किया या मैसेज आपने अभी अभी कर मतलब पहले का कर दिया होगा, सारी बातें हमने की हैं, एग्जैक्ट जो आप लिख रहे हैं वो सारी बातें मैंने बताई हैं कि दे आर फॉलोइंग द फुटस्टेप्स, अब रोल भी बताए हैं कौन सा प्लेयर किसका रोल प्ले कर रहा है, तो ये सारी बातें बताई और एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। जडेजा के आने के बाद जो टीम आपकी में ठहराव नहीं था, जो आपका मिडिल ऑर्डर तितर बितर था, जल्दबाज था, फ्लूके चढ़ा रहा था, नजीबुल्ला सरदान जो है वो T20 का प्लेयर है, तो ये अब आपके स्पेशली रहमत, शादी ने भी अपना रोल समझा लेकिन रहमत का जिक्र ना करना बड़ी ज्यादती होगी, वो रहमत बन के इस टीम पे आया। और देखिए बात ये है कि प्लेयर्स को ग्रूम करने की, अब वो एक दो मैच खेला ना जिसका नाम आपने लिया है जादरान, वो खब्बा, हाँ नजीबुल्ला सरदार, एक दो मैच खेला वो नहीं चला, इन्होंने इसको डाला बीच में, अब ये नंबर पांच पे कितनी शानदार बैटिंग कर रहा है, 250 होगी करियर में, 350 दो वर्ल्ड कप में आ गई और ये वाली मैच विनिंग आई है, बॉलिंग भी कर रहा है 6-7 ओवर, टीम का बैलेंस ही बड़ा सुथरा हो गया, तो आप देखें कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आपके भी मुबारकबाद, बहुत मुबारक है आपको, आप तैयारी करें पाकिस्तान आने की। अफगानिस्तान प्लेइंग गुड क्रिकेट देन पाकिस्तान नाउ फिफ्थ एट द पॉइंट्स टेबल। जी मैंने अभी अभी आपको रॉकस्टार सब ये बताया, डू यू थिंक रिजवान इज वन डायमेंशनल प्लेयर, यस लेग साइड पे बहुत खेलता है, यस यस हाँ। अच्छा जी फुरकान साहब कह रहे हैं
कि व्हाट इज पीसीबी डूइंग विद बाबर, दे शुड बी अशेम। अभी बताते हैं इस पे। जी इस पे बल्कि थोड़ा गुफ्तगू का रुख इस तरफ लेके आते हैं। बड़ी देखें शर्मनाक बात है, टीम तो हमारी जिस तरह भी खेल रही है तो उन्होंने उधर से तो कहीं और निकल नहीं जाना, पाकिस्तान ही आना सबने। तो जो आप कमेटी कमेटी खेलते हैं आप खेल लेना, इंक्वायरी कमेटियां बन रही हैं। तो ये बड़ी मतलब शर्म की बात है। अभी इंग्लैंड की टीम बॉटम पे है, दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस, हम उसका सहारा लेके अपनी टीम को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। वी वर वेरी क्रिटिकल एंड वी आर स्टिल वेरी क्रिटिकल द वे दे आर परफॉर्मिंग, लेकिन ये कैसी अनएथिकल बात है भाई। बांग्लादेश की टीम का उनका बोर्ड का प्रेसिडेंट उन्हें कह रहा कोई बात नहीं, कह रहा है। तो कितनी अनएथिकल बात है ये, अगेंस्ट द मॉरल है। क्या उस बंदे ने आपका जो भी है बाबर आजम उससे आपने मैसेज मंगवाया या करवाया, अगर किया है तो आप उसकी चैट स्क्रीनशॉट लेके आप भेज रहे हैं। पहली बात ये है कि जैसे इन्होंने उस दिन प्रेस रिलीज बेशर्मो वाली निकाली है, तो तुम्हें अगर एक तो कंट्रोवर्सी चलती रहती है, अगर तुमने जवाब देना है तो तुम जहां पे प्रेस रिलीज बनती थी कि ये जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही है बाबर आजम ने कोई फोन नहीं किया, एक प्रेस रिलीज एक पैराग्राफ की दैट्स इनफ, इतना काफी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो दैट वाज इनफ, यही होता था। आपने बजाय के एक अपना सिफारशी इंटरव्यू करवाया और इंटरव्यू में भी क्लियर कर दिया कि नहीं जी ऐसी उसका कोई फोन नहीं आया। तो जब इंटरव्यू सिफारशी करवाया और उसमें अपनी मर्जी की जो बातें सारी कर भी दी, तो फिर आपको जरूरत क्या थी कि स्क्रीनशॉट भी आप किसी प्राइवेट टीवी चैनल को दिखाएं कि जी ये भी वहां पे दिखाएं, जबरदस्ती चलवाएं चलवाएं कि जी मैं कह रहा हूं कि चलवा दें। आज क्लियर किया, मुझे कहा गया कि चलवाएं तो चला दें। एक तो वो चैनल वालों को भी कोई एथिक्स उनके नाम पे नहीं गुजरी, वो तो हर दूसरे दिन किसी ना किसी केस में जुर्माने भरे होते हैं। उनको एथिक्स के नाम का कोई, उनको जर्नलिज्म का कुछ पता नहीं है। और सेंसेशनलिज्म, तो दूसरी बात है जिम्मेदार तो पीसीबी है कि भाई एक प्लेयर वो कप्तान तुम्हारा, तुम्हारे पे क्या भरोसा करेगा? अगर उसने कोई बात कम्युनिकेट करनी है तुमसे, बात करेगा वो करेगा कि तुम तो बेशर्म लोगो आगे से उसकी चैट ही पब्लिक कर देते हो और दिखाते हो जी ये देखो, ये कोई बात करने वाली, मजाक बना के रख दिया इन्होंने। कितना चला उसका नाम है साया कॉर्पोरेशन में, टॉप है उसके 50% हिस्सेस है, झूठ बोलता है, ये मेरे पास सारी लिस्ट है उसमें भी बात कह रहे हैं। अगर मैं कमेटी से क्लियर हो गया तो मैं वापस जॉब संभाल लूंगा, अंदाजा लगाए भाई बेशर्मी की सारी हदें। तो ये जो इन्होंने हरकत किया पाकिस्तान की टीम के साथ, परफॉर्मेंस तो उनकी थर्ड क्लास है, उस पर तो कोई डिबेट ही नहीं है। कप्तानी बाबर से नहीं हो रही, प्लेयर्स कोई परफॉर्म नहीं कर रहे, वो एक अलहदा डिबेट है, बिल्कुल थर्ड क्लास है। लेकिन जो इन्होंने हरकतें की है यहाँ पे, ये नॉन प्रोफेशनल लोग जो घुस गए हैं पीसीबी में, ये आपके सामने है, पूरी दुनिया में एक मजाक बना के रख दिया। और बिल्कुल वहां पे जो प्लेयर्स हैं उनके भी वो प्रेस रिलीज जो निकाली है वो भी इतनी शर्मनाक कि जी आप इनको एक तरफ कह रहे हैं जी आप सपोर्ट करें पाकिस्तान की टीम को, और साथ ही नीचे पैराग्राफ में कह रहे हैं कि अगर ये इनको वापस आने दो तो हम फिर देंगे फैसला करेंगे, और जब तुम कह रहे हो इनको वापस आने दो, इनको देख लेंगे। बाबर जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, मतलब अजीब कोई इस तरह का कोई मजाक बिल्कुल बना के रख दिया इन्होंने, बिल्कुल इनमें कोई सेंस नहीं है। और इनको इसी बात पे यहाँ पे बड़ी खबर दूं आपको एक, जी दीजिए, प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब से जक्का अशरफ डिल्ले कोर्ट वाली सरकार मिले हैं एंड मे बी 4 वीक्स एक्सटेंशन मिल जाए, बस ये इसी तरह ही चलता है। खेलें आप, ये मुल्क है, लूटो अयाशी करो, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, फलानी आई, ढिमकानी आई, जक्का अशरफ की केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ से मुलाकात हुई है, मोस्ट लाइकली ही माइट गेट 4 वीक्स एक्सटेंशन। अंदाजा लगाए इस मुल्क का, ये मुल्क है, बजाय उसको कान से पकड़ के बाहर निकालने के एक्सटेंशन, लाखों रुपए की तनख्वाहें, और ये करेंगे इंक्वायरी। यार अंदाजा लगाए किस तरह के जाहिल लोग इस मुल्क को लीड कर रहे हैं, क्रिकेट को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है जी, जो मुल्क का हाल है वो ही पीसीबी का हाल है, उधर भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जो इकोनॉमी का हाल है वही, जो पूरी सोसाइटी का हाल है वो इधर हाल है, तो कोई प्रोफेशनलिज्म का कोई सिलसिला ही नहीं है। अजीब किस्म के ये नॉन प्रोफेशनल लोग आए हुए हैं। और जहां तक इंजमाम की बात है भाई साहब, आपने पैसे ले लिए 25-30 लाख महीने के हिसाब से, और वो जिद करके आपने बढ़ा लिया, अपना खिला लिया, बेटा अपना खिला लिया, टीम आपने कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए, स्क्वाड आपने सिलेक्ट किया वो आपके सामने, वो एक्सपोज हो गया वहां पे। और इनका कहना था चूंकि
एक साल से यही स्क्वाड खेल रहा है तो मैं इसमें क्या तब्दीली करूं, तो फिर आपको जहमत क्या थी कि आपको ये आने की, अपना आते तो बेड़ा कर करके तो फिर साइड पे। तो इन इन जैसे लोगों पे हमेशा के लिए पाबंदी लगानी चाहिए कि भाई तुम क्लियर हो या ना हो, तुम्हारा क्रिकेट विजन लेजेंडरी बैट्समैन रहे हो लेकिन विजन नहीं साथ ये रहा इंजमाम तबाही और बर्बादी। जिस जगह ये गया ये एक नासूर बनता गया तो कोई परफॉर्मेंस नहीं, द मैच विनर नहीं द मैच थ्रोअर है ये। तो फुरकान साहब बिल्कुल सही बात है, दो अलग अलग बातें हैं। टीम को हम डिफेंड नहीं कर रहे, उनकी परफॉर्मेंस को डिफेंड नहीं कर रहे, उन्होंने बहुत मायूस किया। बाबर ऐसे कैप्टन भी डिफेंड नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, लेकिन वो ऐसे इंसान उसका राइट था। वर्ल्ड कप में जब आप उसको भेजा तो 40 दिन 30 दिन इंतजार करते जब वापस आते आप कमेटी बनाए, अपनी अम्मा बनाए, अपना अब्बा बनाए, लेकिन आपने पहले आप सरफराज से मुलाकातें, शान मसूद से मुलाकातें, रोज हर रोज एक इसको आग लगी हुई है जक्का अशरफ को कि ये यूनिटी है इनकी। ये जितने अंदर हराम खोर बैठे हैं ना जो भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, इनको मौत पड़ी हुई है कि प्लेयर जाग गए हैं, ये ऐसे हैं, ये टूट नहीं रहे। बाकी उसने कल पूछा है जाट ने कि वो जी जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि सिर्फ 6-7 गए हैं बाकी सारे इधर ही हैं, तो कहता जी देखे ना हमने तो वो सिर्फ आगे भेज देनी थी तो हमने भेज दी, अब हम जाके ठप्पे थोड़ी खुद मार सकते हैं। तो ये तो वक्त है, तो चेयरमैन ऑफ जो क्रिकेट बोर्ड जो है चेयरमैन उसकी ये वक्त है, नॉट चेयरमैन। वो कह रहा जी हम क्या करें, इसमें नहीं लगे वीजे तो ना लगे। पहले तो कहता था एक एक बंदा नहीं जाएगा, ले भाई मेरा ओपन चैलेंज है 2025 पाकिस्तान करा रहा चैंपियंस ट्रॉफी, आप देखना इंडिया पहले अपने जर्नलिस्टों का, पहले अपने स्पेक्टेटर्स का, उसके बाद प्लेयर्स का। ये बात आज याद रखना, आपको 2023 नवंबर अक्टूबर की 30 तारीख को कह रहा हूं, याद रखना। ये बेगैरत लोग, ये हराम खोर लोग, अगर यहाँ कोई होता हकूमत नाम की चिड़िया, इनसे कहते लिस्ट लो जर्नलिस्टों की 50 में कौन कौन गया। आप यकीन करें रिजवान हैदर साहब, हम पहले 10 में होते, पहले 10, नॉट 50, नॉट 40, नॉट 30, नॉट 20, टॉप 10, जो इन्होंने 15 कहा था ना, चले 15 भी मान लो तो हम बाहर नहीं होते थे। वो तो कह रहा मैंने फुट ठप्पे मारने, मैं क्या करूं, ठप्पे इसके मुंह पे मारने हैं चपेड़ों की सूरत में और इनके पिछवाड़ों पे लाते मारनी है। तो जो काम इनका तो अपने फैमिली लेके क्यों, उस जट के मुंह में जुबान नहीं थी, असल में सवालात एजेंडे में थे ना, वो इससे पूछता तू फैमिली चाहे पैसों, हम अपने पैसों से नहीं जा रहे थे, हम अपने इसका बेटा कैसे चेयरमैन की सीट पे बैठ के फैसले करता है, कैसे डिक्टेशन देता है, ऑन विच बेसिस, मुझे ये बताएं, ये रेहानुल्लाह, ये हसन चीमा, ये अभी नाइट क्लबों में फिर रहा था, ये फारूक कल्सो, क्या इसका, और ये इवन जो लगाई है आलिया रशीद, सन 1834 में ये थी, अब तो ये जियो, क्योंकि इनके मियां जो है वो यहाँ पे ब्यूरो चीफ है जियो के, और लाहौर कलंदर क्योंकि इनके जेठ की है तो इस वजह से ही है। देखें बड़े नॉन प्रोफेशनल किस्म के लोग आए हैं, वो पहले डॉक्यूमेंट्री बनाई पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की, पाकिस्तान ने जी वर्ल्ड कप में क्या क्या किया हुआ, इमरान खान को ही गायब कर दिया। मतलब जब बची सही करके, मतलब ऐसे ही है कि बीसीसीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की बनाए तो कपिल देव को ही 1983 के वर्ल्ड कप के सीन से गायब कर दे, धोनी को कर दे 2011, मतलब बाकी सारे नजर आ रहे हो इधर उधर वाले, लेकिन वो कपिल देव ही साइड पे हो, या धोनी अभी जिताया था 11 में तो धोनी साइड पे हो गया, बाकी सारे मौजूद हैं। ऐसे भी कोई बेशर्म किस्म के लोग होंगे भाई, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह है, तुम वो वर्ल्ड कप जिताया वो तो है, वो तो इमरान खान ने जिताया, तुम उसकी फोटो कैसे निकाल सकते हो बीच में से, वो जब पूरे लोगों ने डंडा दिया सोशल मीडिया पे, ओ बेशर्मो बेगैर तो तुम्हें इतनी शर्म आया नहीं कि तुमने जे एक ही वर्ल्ड कप है तुम्हारे पास 50 ओवर वाला और जिसने जिताया था उसी को साइड पे कर दिया। 2015-19-23 तुम लोग सेमीफाइनल में भी नहीं गए, हया करो। तो फिर जब लोगों ने रगड़ा की दिया ठीक ठाक, फिर बेशर्मों की तरह अगले दिन डाल दिया कि जी वो जगह कम थी, वो स्पेस कम थी, बहाना भी डाला। तो ये गोंडा,
हालांकि ब्लू टिक है, आप 2 घंटे की भी डाल सकते हैं। अगर 2 मिनट की वीडियो भी डालनी थी तो 2 मिनट में जगह नहीं थी कि इमरान खान की फोटो डाले। वेस्ट इंडीज की टीम को सुराना दे रहे हैं टिल्ले कोर्ट वाली सरकार, तो पाकिस्तान का पैसा उड़ा रहा। तो 2 मिनट की वीडियो में भी कह रहे जी वो वीडियो 2 मिनट की थी तो इमरान खान की फोटो की जगह नहीं बची थी। जोक ऑफ द सेंचुरी, एक वो बड़ा ब्लंडर, उसी पे इनको 1-2 रेजिग्नेशन हो जाने चाहिए। और उसके बाद ये जो प्रेस रिलीज इन्होंने निकाली है हफ्ता पहले, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। ऊपर से ये तीसरा काम जो सिफारशी इंटरव्यू करवा के एक और मुसीबत गले में डाल ली। अब लोग वहां पे टीम पे कम बोल रहे हैं, इन पे ज्यादा बोल रहे हैं। रुख इन्होंने वो उड़ता तीर वाली आपने सुनी होगी, अब मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, अपने अंदर ले लिया। तो मैं रिपीट ये अब सारे लोग अनगाइडेड मिसाइल इन्होंने अपने अंदर ले लिया। अब ये है कि हर कोई इनकी तरफ आ रहा है कि बेशरम लोगों तुम्हारे में प्रोफेशनल, अब बाबर मजलूम बन गया। मजे की बात है, हर बंदा अब कह रहा है यार ये बंदा मजलूम है, हीरो बना दिया इन्होंने बाबर को। तो ये इन लोगों ने इतने नॉन प्रोफेशनल ये लोग हैं कि आपके सामने मैक्सिमम व्हाट दे कैन डू, दे कैन स्टॉप ओवर एक्रीडेशन वी डैम के भाई तो कर लिया ना। तो कर लिया तो क्या फर्क पड़ा, कर लिया आप क्या पुट लेंगे मसीह। तो पहले भी सच बोलते थे, अभी बोल रहे हैं, अभी भी सच क्या करेंगे। तो बहुत ही नॉन प्रोफेशनल ये लोग। हालांकि देखें आलिया रशीद ने ज्वाइन किया है तो इसमें बेहतरी आनी चाहिए थी, वो बल्कि काम दूसरी तरफ निकल गया है। वो कलसून जो है वो पहले वो सभी नहीं सुन, वो आईसी से बंदा आया था, अब यहाँ पे थोड़ी सी जो है जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका रंग सामने आ जाता है। वो अपने ये हालात है नॉन प्रोफेशनल बिल्कुल जी। फुरकान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, शर्म का मुकाम है इनके लिए। और उसकी वो जो चैट प्राइवेट, अब वो ऐसा पॉसिबल है, कितनी गड़बड़ हुई, कितनी ये विराट कोहली की और बीसीसीआई की, जय शाह गंगुली, कोई स्क्रीनशॉट बाहर निकला भाई, कितनी गड़बड़ रही उनकी, कितनी जी ये कहा वो कहा, विराट कोहली कुछ और कह रहा है जी, मुझसे कंसल्ट नहीं किया, वो चेतन शर्मा कुछ कह रहा है, गंगुली कुछ कुछ। लेकिन मजाल है कि अगर किसी का कोई भी स्क्रीनशॉट या वॉइस क्लिप बाहर निकला हो मीडिया तक, यहाँ पे चेयरमैन और बाकी जो आसपास है इतने बेशर्म लोग हैं, ये कहते हैं जी ये हम आपको दे रहे हैं ये स्क्रीनशॉट, ये चला दें आप मीडिया पे। तो मतलब प्राइवेट एक कन्वर्सेशन एक कप्तान आपसे कर रहा है तो वो कह रहे हैं जी चला दो जी, इतने ये जाहिल लोग हैं, इसके क्या बात की जाए। शुभंकर दास कहें जनाब भाईजान आजकल अब बहुत लोग प्रेडिक्शन दे रहे हैं, और याद दिला दूं फिर से कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैंने 3 सेमीफाइनल्स प्रेडिक्ट किए थे, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका इंडिया, 14th जो है वो पाकिस्तान एलिमिनेटेड, 21st एलिमिनेटेड इंग्लैंड, एंड टुडे माय 4th टीम इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है शुभंकर दास, अब कौन दे रहे हैं प्रेडिक्शन जरा वो बताएं ना, हु आर दे। चलो जी ठीक है, आप प्रेडिक्शन वाला वर्ल्ड कप आप ले जाना वो आपका हो जाएगा। बैठ जाए नहीं रखी भी है, नहीं आपने ये 3 टीमों का बोला था, अभी आपने 4थी बोल दिया। लेकिन देखिए ऐसा नहीं ना होता, अब 4 पहले बोली है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और पाकिस्तान बोला था भाई, पहले होता है ना, 3 पहले 2 पहले 1 पहले तो बात नहीं होती। ठीक है नहीं हुई, गलत होगी तो हो गई। संदीप जी कहेंगे ना काश उस दिन फिलिप्स भी ऐसे कैच छोड़ देता कोहली का लास्ट में, जैसे लास्ट स्कोर पे आज छूटा। जोक्स अपार्ट अफगानिस्तान प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट जी, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत, देखिए कोहली अनफॉर्चुनेटली आउट हुआ, अनब्लिमिश्ड इनिंग्स थी, लेकिन ठीक है, जो उसने 95 कर दिया वो इट वाज गुड इनफ। बांग्लादेश से जीत जाते तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल भी खेलता, लव जीत जी मैन, देखिए फिर इनका चांस रहता था, रहता वो वाला मैच बांग्लादेश वाला, बांग्लादेश एक ही मैच जीती है, वो इन्हीं से जीती है। अब कल कोलकाता में, चलो वो तो देखेंगे कल का। बाकी ये कि एक ही मैच वो जीते हैं, वो इनसे जीते हैं, और बहुत गंदा मैच ही हार गए थे। वो वाली जीत होती तो आप फिर देखें क्या से क्या हो जाता, देखते देखते। लेकिन शायद उसी जीत के बाद ही इनको उन्होंने बोला होगा कि यार ये बड़े शर्म के मुकाम है, हार के बाद उस हार के बाद, वन साइडेड हार के बाद इन्होंने सोचा होगा कि यार ये बहुत शर्म का मुकाम है, यस्सु पंजू हार का भूत, और हम मतलब टीम हमारी अच्छी है, हम कितना गंदा मैच हारे हैं। तो उसके बाद से शायद थोड़े से जज्बात जीत की तरफ आए हूं। किसी ने नस्वार सुना दी, अब ये रुकने वाले अखवान जलेबी, अरे वाह अरे वाह। मौसम रिजवान भाई जैसे पीसीबी वैसा मीडिया वाले पाकिस्तान के, और इंडिया आए है जैसे बासबीर
इंडिया घूमने आए हैं, एक वीडियो देखा डोमेस्टिक का, तो भाई ये जो चले गए हैं तो वो घूमे ना, उन पर अब जो चले गए हैं तो वो घूमे फिरे, अब हम उन पर क्या बोलेंगे, वो ना घूमे वहां पे, नो कमेंट्स। चले गए हैं तो वो घूमे फिरे, खाए पिए, मौज करें, टीम तो हमारी ने वैसे ही मौज करा दी है। सैनमैन वुड्स कह रहे ना, व्हाट विन, व्हाट अ विन अफगानिस्तान। मौसम भाई नाचो, आपकी प्रेडिक्शन ठीक हो गई है, और पाकिस्तान टीम शुड लर्न फ्रॉम बिग टीम्स लाइक अफगानिस्तान को कुछ तो सिखाओ। अच्छा अच्छा, अफगानिस्तान से सीखो। अनरेज भाई ऐसे हारे जैसे कल पाकिस्तान, जैसे कल पाकिस्तान लूज करे, पाकिस्तान क्यों लूज करेगा यार, भारत दफा रिस भाई की सारी बातें ठीक हो रही थी। नहीं तो आप पाकिस्तान से मतलब आप एडवांस में ही हरवा रहे हैं बांग्लादेश से, ठीक है जी आपकी मर्जी है, आपका क्या नाम है, समीर भाई थी, जरा पढ़ो जी, जरा पढ़ो जी। I am very happy as I told you that I want Afghanistan to win, not a prediction but just a desire and it happened. Party congratulations to all my Afghani brothers. चलो जी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। छोले बेच रहे हैं तो बैग, आप चाह रहे थे वो जीत जाए तो वो जीत गए। मोहसिन भाई looking cool like सलमान खान, अफगानिस्तान निखर गई है जी। हां भी निखर गई है, थैंक यू वेरी मच मितेश जी। मितेश जी बिल्कुल अफगानिस्तान निखर गई है, और इसमें अगर हम जडेजा और उसका रोल जॉनसन ट्रॉट का रोल ना कहें, देखिए प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, इससे पहले भी तो यही प्लेयर थे, या तो आप कोई नए पकड़ लाए हैं, लगड़ पकड़ थे, बिट्स एंड पीसेस थे, फ्लूके चढ़ाते थे, उसी टीम को इन दोनों ने एक टीम बना दिया, जो पीसेस थे उनको इन्होंने लकड़ी बना दिया। वेल डन, सही बात है जी, ऐसे ही है। टीम कह रहे एक्स गेम कह रहे रिजवान भाई एंड पांड्या भाई, पाकिस्तान टीम इज सिंकिंग। पांड्या भाई, व्हाट इज दिस पांड्या भाई, ठीक है। राव जी कह रहे हैं पाकिस्तान मस्ट प्ले देयर ए गेम टू विन थ्री, और कौन सी ए गेम है भाईजान, ये बताना पसंद करेंगे आप राव साहब। वो पिछले मैच में आधे घंटे के लिए लेके आए थे बस, वो एंड पे, वो भी वो डब्बे में एंड पे आधे घंटे में, वो डब्बे में बंद रखते हैं ये। वो ए गेम कौन सी है जरा मुझे बताएं आप। द बिगेस्ट अपसेट ऑफ दिस वर्ल्ड कप इज नॉट नेदरलैंड विनिंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इट्स बांग्लादेश विनिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान। सर कल मैच हारना बांग्लादेश से, इट्स वेरी रूड फैन इडियट्स, और डीप सारे एक तरह के तो नहीं होते ना यार, अल्लाह खैर करेगा, फैंस भी आप सारे एक तरह के, अल्लाह खैर करेगा। और जी वो अभी तक आई वाज वेरी अपसेट विद अफगानिस्तान द वे दे लॉस्ट फ्रॉम बांग्लादेश, वेरी फर्स्ट दे वेरी फर्स्ट मैच ऑफ द वर्ल्ड कप, आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम देम, तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी हम आपको एक्सपेक्टेशन में पूरा उतर जाते हैं, सानू ही रहा दीता। हेलो मोहसिन सर, कुड इंडिया बी एबल टू विन सेमीफाइनल विदाउट हार्दिक पांड्या, खिलाड़ी साहब हैं जी, क्वांटम खिलाड़ी, दे कैन, हार्दिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ यू आर आस्किंग मी डायरेक्ट क्वेश्चन, कैन दे विन, दे कैन। तानिश अग्रवाल कह रहे हैं रिजवान भाई मोहसिन भाई लव फ्रॉम मुंबई, पाकिस्तान हैज ओनली वन स्पोर्ट्स क्रिकेट एंड सम फूलिश आर प्लेइंग एंड डिस्ट्रॉइंग इट। सही बात है जी, एक ही खेल है उसको भी तबाही के दहाने पे, यू आर राइट भाई जान, पाकिस्तान फेवरेट टू विन टुमारो, देन एंजॉय फूड इन कलकत्ता, भाई जान अभी तक तो फूड ही एंजॉय हो रहा है, और सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी नो मोर बिरयानियां, हमें आप अब बिरयानियों से हमने अब डंडे खिलाए, अब हमने इनकार कर दिया, बिरयानियां हम नहीं खाएंगे। डॉक्टर वकास कह रहे अफगानिस्तान इज टर्निंग आउट टू बी मच मोर टैलेंटेड एंड बेटर स्पोर्ट्स नेशन देन पाकिस्तान, फर्स्ट दे बीट पाकिस्तान इन क्रिकेट इन एशियन गेम्स, then grab more medals 5-3 then beat them again in the world cup। ji aapki sari baatein theek hai, nahi lekin ye kaise prove ho sakta hai ki wo exporting nation humse behtar hai, ye to jeet hui na, dekhiye ek rich history hai hamari, ab aap sirf ye kuch din ki performances pe hame agar bilkul hi niche le jaye aapki marzi hai, nahi lekin unka graph to upar ki taraf ja raha hai na, graph upar ja raha hai hamara niche ja raha hai, iska ye matlab nahi hai ki hamari rich history nahi hai ya sporting nation history nahi hai, history to history hai na, abhi present pe aap kaam kar rahe, present pe gaye na phir, phir ye ye present nahi ho rahi baat na, present pe aap keh sakte hain ki ji wo bahut acha khel rahe hain, wo behtar khel rahe hain, aur jahan tak medals ki baat kar rahe hain aap, जब जनरल एक बैठा हुआ 23 साल से कोई पूछ नहीं रहा तो मेडल्स नीचे ही आएंगे। राज गंजना पाकिस्तान मैनेजमेंट अलाउ टीम आस्क टू प्ले फेयरलेस क्रिकेट, कौन सी मैनेजमेंट भाई, मैनेजमेंट का आपने नहीं पता कि राजम केडी मैनेजमेंट, वो तो स्टार्टिंग में बांग्लादेश से अफगानिस्तान का मैच था, अगर अब होता तो बांग्लादेश का कोई भी अफगानिस्तान फैंटी लगा देता, ये सच है जी, फॉर्म में आई है अफगानिस्तान, दोमन दिवन साहब यू आर एब्सोल्युटली खतरनाक फॉर्म में आई हुई है। Sally is just an excuse from PCB. Guys, trying hard. Please win. Or here on champs. Sharma ji, देखें Sally को भी छोड़ें बाकी सारी बातें, उनकी परफॉर्मेंस तो है गंदी, लेकिन इनका जो रवैया है उससे भी ज्यादा बड़ा, सही बात, यह बहुत ही अफसोसनाक और घटिया रवैया इनका।
कुडूस टू गुरबाज और राशिद नबी हु इंस्टॉल बिलीफ बिलीफ ठीक कह रहा हूँ सब ठीक कह रहे आनी टीम लेकिन कप्तान का भी नाम आना चाहिए था नॉट गुड हुकर्स एंड पुलर्स कोई भी नहीं हमारे पास हुकर और पुलर नॉट अ सिंगल वन वो इमाम का छक्का जो होता है कि कैच करा के बाहर चला जाता छक्का उसका इतना ही होता है कि बाउंड्री तक पहुंच जाए ये छक्का ये पुल शॉट पे छक्का ये छक्का उसका कल वैसे वो अट्ठा होने लगा कल फखर अंदर है कल आगा सलमान अंदर है कल तीन चेंजेस हैं आप शदाब भी गया तो ये पुल शॉट अरशद राज ही होगा किसी को देखा ही नहीं कोई तगड़ी खेलते हुए वैसे ये हारिस लोग क्यों खिलाई जा रहे हैं हफीज था वो जरा अच्छा शॉट खेल लेता था वो उसके बाद कोई भी नहीं है जो अच्छा पुल शॉट खेले और नीचे आके वो चचा जाना है जो थोड़ा खेल लेता है इंजमाम बहुत अच्छा पुल खेलता वो तो पुरानी नहीं मतलब वैसे बता रहा हूं ना इस टीम में शायद चचा है जो चचा थोड़ा खेल यार चचा थे वैसे माजरत नहीं उसको उसने अच्छे दो तीन छक्के मारे उस दिन कमिंस को पुल शॉट पे लेकिन जहां पे जरूरत होती है चचा जी बीच में लिद करके भाग जाते हैं Bhaijan, as per my prediction, Pakistan is losing versus South Africa, New Zealand and England. मुझे तो लग रहा है कि बांग्लादेश से भी ना हार जाएं. Although Bangladesh cricket is even worse than Pakistan. तो बस ये अब आप बद्दुआएं दे रहे हैं. लगे हुए हैं आप बद्दुआएं देने के लिए. तो अब क्या हो सकता है समीर साहब. अब आप हमें हरवा रहे हैं बांग्लादेश से भी. तो फिर हम क्या कह सकते हैं. हालात तो जिनके इनके पतले हैं काफ़ी. लेकिन अगर कोई रही सही थोड़ी इज्जत बचानी है तो बाकी के तीन मैच इनको जीतने पड़ेंगे. रोहन चक्र चंद्र साहब कह रहे हैं चंद्र वरकार साहब हेयर आई एम कैलकुलेटिंग हाउ पाकिस्तान और अफगानिस्तान विल क्वालिफाई टू कीप ग्रुप स्टेज टेस्टिंग बट पीसीबी हैज ऑलरेडी गिवन अप एटलीस्ट वेट फॉर द वर्ल्ड कप टू बी ओवर ट्रू ये सही बात है बिल्कुल सही है अच्छी या गंदी है इसी पे बात हम इतनी देर से कर रहे हैं वापस तो इधर ही आना है ना उन्होंने तो तुम देख लेना जो करना है हेलो भाईजान रियली लव वॉचिंग यू एंड मोहसिन साहब रजत सिंह साहब हैं गॉड ब्लेस यू अजमत या हशमत को हमें दो अय्यर की जगह पे अरे नहीं यार इतना भी अभिजीत नहीं है यार खुदा के लिए हाईली इंप्रेसिव फ्रॉम अफगानिस्तान विद द बैट दिस वर्ल्ड कप मौसम भाई जर्नलिस्ट एक्सेस प्लेयर्स ऑन बोर्ड एक्सप्रेस अनप्रोफेशनल जी स्नैन चड्ढा साहब अभी वही बात कर रहे हैं अनप्रोफेशनल लोगों की अंबार लगा जर्नलिस्ट आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जब से ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है तबाही और बर्बादी हो गई है सही बड़े दिनों बाद आए समीर भाई इतनी तेजी से भागने की कोशिश ना करें अगर आप गिर सकते हैं आप एक माह पहले क्या कह रहे थे हम जानते हैं ये तो सब जानते हैं वो वीडियोस हमारे पास है सारी दुनिया के पास है सईद भाई तो समीर साहब ये तो फिर कहानी खुल गई है आगे हम यूं ही छुपाते छुपाते तो अब समीर भाई आपके सामने लोग देखे सईद साहब ने भी पुराने मैसेज समीर भाई ये याददाश्त है ना वो क्या करे कमबख्त मारी इस यूट्यूब का लोगों को याद रह जाती है चीजें वो कह रहे हैं कि जनाब आप एशिया कप से पहले पाकिस्तान को कहां इंडिया को कहां और आप देखें क्या हो गया देखते देखते तो आप इसका जवाब दें जनाब समीर साहब अब हम क्या इसका जवाब क्या से क्या हो गया I think people like you, common people, should take a matter in your hands for the betterment of Pakistan in sports. When countries like Afghanistan can do better, then Pakistan can do much better. नहीं अपने हाथ में बकार साहब हम कैसे अपने हाथ में लें देखिए मैं आपको बताता हूँ जब मैं सदर रहा छह साल हमने हर स्पोर्ट्स को हाईलाइट किया अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत हद तक इस नेपोटिज्म पे कंट्रोल पाया हम हर जगह आवाज उठाते थे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इमरान खान का दौर आया हम जैसे जर्नलिस्टों की ऐसी की तैसी हो गई हमारा लिखना बंद बोलना बंद हमें अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा तो आप मुझे बताएं वकार साहब देखें 39 फेडरेशन में से 35 फेडरेशन आर रन बाय तो यार देखो अब हम बीच में कैसे मतलब आ जाए हम तो आवाज ही उठा सकते हैं यहाँ पे जिसका पॉलिटिकल जितना असर और रसूख है जो गवर्नमेंट आती है आपने बंदे लगा देती है अब हम पॉलिटिकल लोग तो है नहीं हमारा काम है आवाज उठाना वो हम उठा रहे और उठाते रहेंगे हाँ जी चांसेस ऑफ पाकिस्तान विल बी इंक्रीज आफ्टर दिस मैच कौन कह रहा है ओम मेहता साहब देखें नहीं मेहता साहब हमारे चांसेस डिक्रीज हो गए हैं अफगानिस्तान अब और ज्यादा लीथल होगा एंड आई वोंट बी सरप्राइज देखें नीदरलैंड वाला मैच तो नो डिसरिस्पेक्ट टू नीदरलैंड नीदरलैंड कैन विन बट नीदरलैंड वाला मैच तो वो एक साइड में रख के ना अपनी तरफ टिक करके अब वो ये सोच रहे होंगे इन दो में से हमने गिराना किसको है यार देखो
इस बहस से ना मैं अब इरिटेट होने लगी हूँ कि पाकिस्तान के चांसेस पाकिस्तान के चांसेस चांसेस व्हेन दे आर नॉट विनिंग अ सिंगल मैच हाउ द हेल दे कैन गो यस टू सेमीफाइनल और दो पे हमारा डक्का लगा हुआ है पहले दो आखिरी मैच हम इस वर्ल्ड कप में 20 दिन पहले जीते थे 20 दिन हो गए हैं कोई एक जीत नहीं मिली 10 तारीख को मैच था हमारा श्रीलंका से जो हम यहाँ लुडियां डाल लेते ओ हो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया 350 चेज कर दिया बल्ले 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 पेशावा मरते मरते जीते थे तो बल्ले बल्ले जो बात थल्ले थल्ले ऐसी हुई है कि जीत ही रूठ गई हमसे 20 दिन हो गए वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं जीता ऑपरेशन थिएटर में पड़े हुए हैं ड्रिपों पे ड्रिपें लगी हुई हैं तो और मस्नूई सांस के जरिए चल रहे हैं तो ये वाली आप कल अगर हम जीत गए अच्छे मार्जिन से तो फिर आना है ये बात लेके फिलहाल पाकिस्तान जब तक जीतेगा नहीं ये वाला सवाल नहीं चलेगा ये नौ कल इस टाइम भाई जान कोई शुभ शुभ बोले यार कोई नहीं पता अंदर भाई जान ईशन शर्मा व्लॉग क्या कह रहे हैं I can bet you and Zamam will be back. They're all culprits. Yes, he will. He will be back. I agree with you. Don't need, no need of betting. बेड़ा कर कर के जी मैं I'm resigning. तो आने की ज़रूरत क्या थी? Mohsen sir, thoughts on rise of Afghanistan, fall of countries like Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, West Indies. Perhaps bad air for England and Pakistan. When will Bangladesh improve? Namaskar to both of you. कमलेश जी कल ना इंप्रूव करे बाकी खैर देखें ये बैड डे नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट पे काफी अरसे से हमें डर लगा हुआ था इट्स नॉट अ बैड डे बांग्लादेश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डाउनफॉल बिकॉज दे वर प्रिपेयरिंग थर्ड क्लास जस्ट टू विन मैचेस 100 रन 120 रन 119 रन 120 रन मतलब इतनी घटिया पिचेस बना रहे थे सिर्फ जीतने के लिए तो हमने पहले कहा था इनकी ऐसी की तैसी फिर उनका कप्तान ही सुसाइड बॉम्बर है वो अपनी टीम पे फट रहा है और पाकिस्तान और ये हो गए श्रीलंका का डाउनफॉल नहीं है वो एक फेज में वो ट्रांजिशन फेज में मेरे ख्याल निकल जाएंगे वेस्ट इंडीज का बहुत मुश्किल है वो माल पानी के लिए खेलते हैं लीग खेलते हैं डैश ड्रामा करते हैं और कौन सी टीम है भाई जी ठोको गैंग सब कह रहे हैं मौसम भाई रिजवान भाई जैसे पीसीबी पाकिस्तान टीम वैसे ही मीडिया वाले अच्छा आपने दो बार ये मैसेज भेज दिया यार पहले भी आपका ये मैसेज अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले समीर कह रहे हैं भाईजान आपकी बातें सुनकर समझ नहीं आता कि रोहिया हासिम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस और अब भी ये हालत है और ग्रीड की कोई लिमिट होती है बस यार देखिए आपका जो ग्रीड है ना वो पर्दा पड़ जाता है आपका मीडिया प्रो इंडियन है हमारा मीडिया एंटी पाकिस्तान है वरना जो दूध दही की नहरें हैं ना इतनी ज्यादा भी नहीं है जितनी पोज की जाती हैं अभी अभी आपके आप देखे फिर पॉलिटिकल बात हो जाएगी रहने दे अफगानिस्तान ने जिसको जिसको हराया वो वर्ल्ड कप से बाहर होगा जिस जिसको हराया तो फिलहाल तो आप हम तो वैसे ही बाहर है इंग्लैंड भी बाहर है और अफगानिस्तान श्रीलंका भी बाहर है ग्रोइंग वॉचिंग इनजी यूसुफ वकार प्लेइंग नाउ दे कलेक्टिवली डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान क्रिकेट After a long time, player like Babar, now they are destroying him. जी मोहम्मद सरवी साहब देखे बात दरअसल ऐसे है कि ये सारे अपने जमाने में अच्छे प्लेयर रहे हैं नो डाउट अबाउट इट लेकिन की मोमेंट्स में इन्होंने भी कोई काम कमाल का किया नहीं 2003 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप में मैच दो जीती थी एक नैदरलैंड से एक नबीबिया से नबीबिया आजकल वो छोटी मोटे मैच ही खेलती है आज उन्होंने 103 नहीं करने दिया जिम्बाब्वे को मतलब वो खेल रही है उसी पे दो मैच जीते थे 2003 के वर्ल्ड कप में बॉलिंग अटैक वसीम वकार शुएब सकलैन सारे मौजूद थे रजाक तो ये बॉलिंग अटैक था तो दो मैच जीते थे ये हारे इंडिया से हारे इंग्लैंड से हारे वेस्ट इंडीज से ऑस्ट्रेलिया से हारे सारे मैच ही हार गए जिम्बाब्वे से भी हारता है हारते बारिश हो गई तो बातें सुन ले आपकी 2007 के वर्ल्ड कप में एक मैच जीता था जिम्बाब्वे से वेस्ट इंडीज से हारे आयरलैंड से हारे बाहर छूटी बातें करवाएं इनसे बड़ी बड़ी बाकी अब आपके सामने है 10 टीमों में सबसे वर्स्ट हमारे स्पिनर है बॉलिंग हमारी हारिस राउत को पता नहीं करना क्या है एक बॉलर शाहीन विकेट ले लेता है वो भी एंड वाली ज्यादा तो बॉलिंग क्या है टूथलेस है कह रहे वर्ल्ड क्लास क्या बकवास वर्ल्ड कप क्लास है ये बॉलिंग है बैटिंग आपको पता ही कोई नहीं है क्या करना है कुछ भी नहीं सत्यानाश और ये सारे जो भाषण दे रहे हैं सब ने तबाहियां मचाई हुई हैं सर व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर पीसीबी टू गेट इन एफिशिएंट वर्क अमित साहब जब तक ये पॉलिटिकल ड्रामेबाजियां बंद नहीं होंगी ये काम नहीं रुकता
एक जाएगा दूसरा आ जाएगा. इंडियन लेजेंड्स हेल्पिंग इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान लेजेंड स्पॉइलिंग पाकिस्तान क्रिकेट. जी इट्स हार्श रियलिटी बट इट्स ट्रुथ. प्रसाद साहब ट्रुथ. खन्ना जी कह रहे हैं मौसम भाईजान रिजवान भाईजान बिग फैन आफ्टर एवरी मैच आई वॉच योर स्ट्रीम एंड प्लीज कंटिन्यू दिस वर्ल्ड कप. ठीक है जी थैंक यू वेरी मच. रणवीर सिंह कह रहे हैं दीज ग्रेट प्लेयर्स हु डिबेट नेगेटिवली ऑन देयर ओन टीम ऑन टीवी डू नॉट थिंक दे वर दैट वी शुड ऑल्सो मेक दम मेंटोर ऑफ पाकिस्तान. उसका तो सिलेक्टर या चेयरमैन बनना है इन्होंने बस. भाई जान मेंटोर बनते हैं ना मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज के माल पानी इकट्ठा करते हैं उन्हीं पे भौंकते हैं. इतने एहसास वाले होते तो बात यहां तक पहुंचती ना. मनिंदर सिंह साहब आपको मान गया जी आपने बोला था जीतेगा अफगानिस्तान. रिज भाई यू से मेरी जान साउंड्स वेरी स्वीट. रिज भाई व्हेन यू से मेरी जान साउंड्स वेरी स्वीट काफी अरसे के बाद वैसे किसी ने ऐसा बोला यार ये आप क्या ये क्यों बोला आपने एक दो तीन हफ्ते तक ये इसी में खोए रहे. नहीं मारी आज ये आए वहां खड़े थे मैच से पहले तो यहाँ मैंने कहा यार तो नहीं आज मैं खुश नहीं हूँ. मैं कहा यार छोड़े यार मैं 3.5 साल से आपको देख रहा हूँ मैं जिसकी तस्वीर देख लूं मैं उसका सारा बता देता हूँ तो आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है. तो कमलेश जान वाली बात से आपने ज्यादा ही इसको खुश कर दिया ऐसे है. आप ये देखे 1.5 साल में जान वाली बातें खत्म हो जाती है फिर जान पे आ जाती है. नहीं नहीं उधर से भी कभी कभार ऐसे अलवा सुनने को आ जाते हैं थे अभी भी कभी कभार आ जाते हैं. ये जो आपके दिल के छाले निकले हैं ना जान बड़े भी, अगर आपने ये सुना होता ना फ्रीक्वेंटली तो आपके मुंह से ये लग ना निकलते आप बल्कि यूं होते वाह अच्छा लग रहा है कैसा लगता है अच्छा लगता है प्यार का सपना सच्चा सपना ही होता है वो जो अच्छा लगता है बस ये आगे आप भी अमित गोयल कह रहे थे ना रिजवान मौसम भाई लव यू बोथ एंड मिसिंग यू इन इंडिया वी रियली वांटेड टू गो देयर यस वी वांटेड टू गो देयर बस आपके सामने ही हालात. हमारा चेयरमैन कहता जी मैं ठप्पे लाने से वीजे दे उत्तर पासपोर्ट दे ठप्पे लाओ तो फिर ऐसी किवें जानदे तुसी आप ही दसो फिर. आई रियली फील इंडियन गवर्नमेंट शुड ब्रिंग रचिन बैक टू द नेदरलैंड टू द मदरलैंड हिज पेरेंट्स स्टिल हैव इंडियन पासपोर्ट दे रिफ्यूज टू चेंज टू न्यूजीलैंड सिटीजनशिप. तो समीर साहब जिसने उसको अपॉर्चुनिटी दी मौका दिया वहां पे एस्टैब्लिश किया ग्रूम किया अपनी टीम को रिप्रेजेंट करके पूरी दुनिया के सामने अपना नाम रोशन करने का मौका दिया तो वो आपको क्यों दे आपका ख्याल है कि वो लालच कर रहे हैं आप आपका ख्याल है कि वो छोड़ छाड़ के वापस आ जाएगा आ भी सकता वैसे नहीं इमरान ताहिर या शमसी वगैरह जिसका है तो इमरान ताहिर यहाँ से गया था वो छोड़ छाड़ के जब मौका मिला वापस आ गया उस्मान ख्वाजा. बाकी यार देखो उसकी मर्जी है आना चाहता है चाहे तो आ भी सकता है और इंडिया को ऐसा प्लेयर एक चाहिए तो टीम इंडिया रेडीमेड प्लेयर है. टीम इंडिया में कोई कमी तो है नहीं और भी काफी बाहर बेंच स्ट्रेंथ बहुत पड़ी हुई है ये तो हमारे वाले सोचेंगे यार अगर आना चाहे तो इसमें वैसे समीर भाई कोई बुराई नहीं है और वाकई उन्होंने पासपोर्ट इसके पास भी है इसीलिए ये 2 महीने पहले आके इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा था. शुभम गर्ग कह रहे हैं मौसम भाई चेंज योर वर्ड्स पाकिस्तान 2023 में सेमी फाइनल में जाएगी. जी बोला था नहीं गई तो आप फिर क्या आप सजा दे दें हमें. एक मिनट मैंने श्रीलंका के साथ रखा था इन्हें क्या हो गया मेरी जान तो दोनों ही नहीं गई ना. हाँ तो चलो गलत होगी मैंने भी रखा था. अभी आप इस तरह करें जो अवार्ड मेरा था वो आप ले लें. अमित मान सिंह जी कहेंगे ना पाकिस्तान 6 मैच 2 विन अफगानिस्तान 6 मैच 3 विन विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डन यू शुड लुक. जी यही बात हो रही है जी सिंह साहब अभी पिछले महीने आप अपने आप को देख रहे थे यही बात हो रही है. Were you looking at the world's richest board? If Sarfaraz was selected, Pakistan would have. नहीं जी ये यार गॉड साहब अब आप इतना खौफनाक नाम रखते हैं. देखें ये एनालिसिस जो है ना ये सबसे मुझे फनी लगता है. एजेंडा ड्रिवन ये वाला एनालिसिस एजेंडा ड्रिवन जो टीम में नहीं है ना वो आपका मैच बेस्ट था ये आप निकाल के देख लें. जब भी टीम हारती है ना ये हर जगह ये डिबेट होती है ये वो होता तो ये कर देता वो होता तो ये कर देता वो होता तो ये कर देता. तो अब सरफराज के बस की नहीं है भाई वो 37-38 ईयर्स का हो गया है. 2019 में ही वाज द कैप्टन टीम भी सारी थी सब कुछ था और हम नहीं पहुंचे सेमीफाइनल में ही हैड द चांस. अब वो होता तो ये होता ये होता तो ऐसे बात नहीं होती. उसका प्राइम गुजर चुका है. अगले वर्ल्ड कप तक अब वो 37 का है 38 का अगले वर्ल्ड कप तक वो 42-42 साल का खिलाएंगे.
यार कोई बात करने वाली की करनी चाहिए मेरे दोस्तों. टेल रिज मौसम भाई टू टेक आउट माय प्रेडिक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप. आई सर पाकिस्तान कांट मेक इट टू समी ड्यू टू द लैक ऑफ टैलेंट. जी समीर साहब ये आपकी बात ठीक हो गई है गलती से. दीवान जी कह रहे हैं आप जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच था तो पाकिस्तान के सपोर्टर सपोर्ट में थे. अब पाकिस्तान बांग्लादेश से तो नहीं हारेगा बट आपको न्यूजीलैंड से ही हारना है और इंग्लैंड से भी बिल्कुल नहीं हारना से तो बिल्कुल नहीं. ठीक है जी दीवान साहब अब हमारी मर्जी चले तो हम किसी से भी ना हारते. सुलेश गुप्ता कह रहे हैं माय विश इज इंडिया अफगानिस्तान फाइनल इफ अफगानिस्तान विंस आल्सो फाइट पाकिस्तान लूजेस ऑल द थ्री गेम्स फिनिश टेंथ मौसम बाय डूइंग रोलेबल शो चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्टेड टू यूएई. बा आप बेटा आप ना अपने दिल की हसरतें दिल में ही रखो. क्या कह रहा है चैंपियंस ट्रॉफी इधर चली जाए पाकिस्तान दसवें पे चला जाए तो ये हो जाए तो वो हो जाए. एक मिनट यही जवाब ले ले यूएई में भी शिफ्ट हो जाए ना होस्ट पाकिस्तान ही आगे चले. अफगानिस्तान विन एवरी वन गिव्स ग्राइड टू जडेजा एंड ट्रॉट बट इन केस ऑफ इंडिया नो वन टॉक अबाउट ड्राइवर बाय द वे लव वॉचिंग योर एनालिसिस. यार आपने इतना अच्छा वाला वर्चुअल रियलिटी नाम रखा है आप ईमानदारी से बताएं आपको टीम में क्या नजर आया इंडिया की टीम में. आपका कप्तान फ्रंट फुट पे आ गया खुदा के लिए हम तो उसको दबा के क्रेडिट दे रहे हैं. आप राहुल ड्रैविड को पूरी टीम का क्रेडिट दे दे वी डोंट माइंड. नहीं देखिए वर्ल्ड कप जीतेगा तो जैसे गैरी क्रिस्टन का नाम आता है तो इसका भी आएगा वर्ल्ड कप ग्रेट्स में नाम आएगा विनर्स में. बिल्कुल जी अगर एज अ प्लेयर नहीं जीत सका तो एज अ कोच उसने जितवा दिया तो ये बड़े फखर की बात है ऑनर की बात है और इसमें पूरा क्रेडिट है उसका. कोच है जब टीम हार रही थी हर कोई बैश कर रहा था वो क्रिटिसिज्म भी वो उस पर जा रहा था. अब अगर जीत जाएगी तो वो हिज कोच एप्रिसिएशन जाएगा. आपने उसको उंगली देते रहे आखिर में वही खिला रहे हैं ना जो टीम थी. आपने क्या किया जो आपने या तो आपने उसमें से तीन लड़के रखे दो रखे एक रखा तो हम मान जाते हैं. आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं मुझे नहीं बना सकते और मुझसे एक्सपेक्ट ना करें कि मैं जनाब हाँ जी ये बात. प्लीज यार अगर तो आपका एक भी एक्सपेरिमेंट राहुल ड्राविड साहब का कामयाब हुआ है तो डन टेल मी विच वाज विच वन. अभी स्काई को मौका दिया बार बार वो अभी स्काई को जितने मौके दे दिए आप इतने मौके आपको दे दें. वैभव का मैसेज है सुनील पॉल के जनाब दो अचीवर ऑफ दिस वर्ल्ड कप अफगानिस्तान नेदरलैंड को बिल्कुल है आप सही है दोनों ही बहुत अच्छा खेले. एग्रीड बहुत अच्छा खेले. एग्रीड कमाल कर दिया जी रौनक वर्ल्ड कप में टेक्निकली उन्हीं की वजह से आई है. जो लोग कह रहे थे नीदरलैंड क्यों है और एक इंग्लैंड की वजह से. हम भी लाइन हम भी हैं थोड़े इंटरटेनर लेकिन ये दोनों तीनों लाइमलाइट ले गई. इंग्लैंड भी ले गया लाइमलाइट अफगानिस्तान और नेदरलैंड भी ले गए. एक ही रोला पै गया इंग्लैंड बाजी ले गया. इन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड छह बैटर्स ऑफ इंग्लैंड गॉट क्लीन बोल्ड और दो बैटर गॉट LBW. दिस शोज द परफेक्ट लाइन और लेंथ ऑफ विजय जी. ठीक है बिल्कुल जी पिन पॉइंट आपने गेंदे कराएंगे. समीर सिंह मौसम भाई फॉरगेट मीडिया just see where is India standing as a nation in comparison to other nations including Pakistan you will get your answer. यार देखिए समीर साहब मैं international relations जो है ना बहुत अच्छी तरह और बड़ी grip से देखता हूँ. आप debate करना चाहते हैं मेरे साथ तो वहां आ जाइएगा. ये channel नहीं है इस debate यार देखो समीर भाई बात क्रिकेट की हो रही है. हाँ क्रिकेट में बात क्रिकेट भी बात करें बाकी ये तो पता ही है कि इंडिया लाइक दे आर फ्लरिशिंग प्रोग्रेसिंग हर मैदान में अच्छी बात है हर खुशी हर जिंदगी के शोभा में वहां पे तरक्की हो रही है. तो ये कि कोई माने ना माने जो हकीकत है वो सामने नजर आ रही है तो वो तो हमें नजर आ ही रहा है और हम तो खुद आप हमें क्या बताएंगे हम खुद आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सारे मसाइल हैं. हाँ, तो हम मान ना रहे हाँ, तो हम आपको बता रहे हैं बहुत मसाइल है पाकिस्तान में. आप इधर उधर घूमते हैं ना जो ये आपका प्रॉब्लम है समीर साहब. शुभकदा कहेंगे ना समीर भाई आपका एहसान होगा अगर पाकिस्तान आपका चैरिटी वाला टॉप टेबल आई अस्पताल के नाम और लोकल दिल्ली एड्रेस बता दें. मेरे एक चचा की आई ऑपरेशन कराना थी बट ही कांट अफोर्ड बेस्ट सारे में क्या तो नॉट
तो जी समीर साहब ये वाला काम करें आप, ये जो कह रहे हैं अगर आपका वहाँ पे हॉस्पिटल है दिल्ली में चैरिटी वाला आंखों वाला, तो ये भाई के चचा है शुभंकर दास जी के, तो उनकी जरा आप हेल्प आउट कर दें तो दैट वुड बी नाइस। और आप या तो डिटेल किसी तरीके से बता दें हमें, या यहाँ पे ये तो खैर ओपन ही है, इसमें छुपाने वाली बात तो नहीं, आप बेशक यहाँ पे मैसेज करके बता दें इनको। मोहित गौर कह रहे हैं जनाब, मौसम भाई रिजवान भाई सॉरी टू सी सॉरी स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अ ग्रेट क्रिकेट नेशन इज गोइंग ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, एनी सोल्यूशन? सोल्यूशन तो बहुत है, मौका दें हम यूं ठीक कर दें। देखें जब तक ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म नहीं होगी ना तो ये गड़बड़ चलती रहेगी। म्यूजिक चेयर बना हुआ 6 महीने तेरे 6 मेरे 4 उसके 12 महीने 2 तेरे 2 मेरे, जी ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म हो जान छूटे तो फिर कोई बात बने, सही बात, वरना ये मुश्किल ही है। ये वो अभी वो आप सुन रहे थे वो दिन में या कल सुन रहे थे वो उसका आशा भोगले की वो बात? आज ही सुन रहा था। हफ्ते में 3 दिन जो है वो जका अशरफ गिराने में लगा होता है नजम सेठी, अगले 3 दिन और संडे को बैठ के लगे हुए होते हैं, अब करना क्या किसको लाना है। तो जो मौजूद होता है वो अपनी पॉलिसीज बनाता है 6 महीने में छुट्टी, वो उसको गिराने के वो नया आता है अपनी पॉलिसीज और वो स्टाफ फारिग करता है अपने बंदे भर्ती करता है, फिर 6 महीने बाद दूसरे आते हैं वो अपने स्टाफ लेके आते हैं फिर भर्तियां करते हैं। और ये मेरिट पे भर्तियां नहीं होती, ये ऐसे ही होते हैं। अगर मेरिट पे इन्होंने अब मीडिया डिपार्टमेंट में भर्ती की होती तो ये वाली शर्मिंदगी ना होती जो इनको बर्दाश्त करने पड़ रही होती है, तो इसी से आप अंदाजा लगा लें। रिजवान मौसम भाई अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम इंडिया, टिपिड अप्रोच फ्रॉम श्रीलंका टुडे। जी फैसल जलोरी साहब 300 यहाँ पे एट पार टोटल है बैटिंग फर्स्ट करते हुए, तो बीच में भी काफी स्लो भी खेले फिर थोड़ा सा तेज होने की कोशिश की, विकेटें भी गिरी, दाड़ विकेटें गिरी, तो इन्होंने एंड पे भी गिरते पड़ते, ये तो 185 पे साथ आउट थे, ये तो 240 तक जैसे तैसे, वरना तो इन्होंने कुछ अप्रोच अजीब ही थी इनके। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी विकेट अंडे पे गिर गई थी। प्लीज वेयर पाकिस्तान टी शर्ट टुमारो, जी पहनेंगे इंशाल्लाह पटेल साहब, टेंशन ना ले आप, अब हमें चुक दे रहे हैं लेकिन अब पहन लेंगे, वैसे ही पहननी थी हमने। आपका मीडिया बोलता है कि इंडिया के बॉलर्स में जान नहीं, नहीं मीडिया नहीं बोलता, वो एक बंदे ने बोला, कुछ एक आते हैं तो जो बोलता है वो जेलसी में बोलता। मैं इनफैक्ट इतनी देर में सारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट से समीर भाई का नाम लेके पूछा बट किसी को प्रोसेस नहीं, यार ऐसे थोड़ी पता चलता है यार, आप शुभंकर दास अक्लमंद बंदे हैं और ऐसे थोड़ी पता चलता जी आप समीर का नाम लेके, ऐसे थोड़ी होता है यार। तो समीर भाई आप देख लें मैसेज आपके सामने है, ऐसा नहीं होता सिलसिला कि आप जाके अस्पताल में बारी बारी पूछें जी समीर साहब का कौन सा चैरिटी वाला अस्पताल है, वो क्या पता आगे फंड करते हो क्या हो, बंदा कोई और रखा हो उनको पता ही ना हो, आप सियाने बंदे। बिलाल खान जी कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। रिजवान भाई ये विराट से छोड़े उस लफ्ज को, आगे चले, इतना विराट से वीक अपोजिशन को मारा है इतनी चाचा इनके विराट से अच्छा है माशाल्लाह। बस देखिए बिलाल भाई आपने मैसेज किया फॉर द फर्स्ट टाइम आपका मैसेज आया, लेकिन आप जब तक डिनायल में रहेंगे ना, स्टेट ऑफ डिनायल, तो आप यू आर इन स्टेट ऑफ डिनायल, यू कांट इंप्रूव और यू कांट लर्न, आपके यही इसी तरह की जिल्लत वाली परफॉर्मेंसेस हमारी टीम दिखाती रही मजीद आएंगी। तो अगर आप जब तक देखें बेहतरी तब आती है जब आप एक्सेप्ट करें कि ये चीज हमारे टीम में हमारी ये खामियां हैं, आप जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे बेहतरी नहीं आएगी, जब तक बोलेंगे जी सब ठीक है कोई नहीं हार गए तो आगे जीत जाएंगे तो ऐसे नहीं जीता जा सकता। यू ट्राई टू रिडिक्यूल विराट कोहली, ही हैज 48 ओडीआई सेंचुरीज और अभी जाहिर है एक दो और आ जाएंगी तो मोस्ट बाय एनी बैट्समैन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट हो जाएंगे, आधे 100 इसमें से उसके चेज करते हुए आए हैं, आधे उसके करियर में जितने उसने रन्स किए हुए हैं वाइल्ड चेजिंग, दुनियाई तारीख में किसी और बैट्समैन ने इतने रन्स नहीं किए हुए वाइल्ड चेजिंग। तो आप मतलब अजीब ऐसी बात करते हैं कि जिसके पीछे कोई बंदा कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आती। हमारे वाले जनाब अब आप इतने अच्छे होते तो हाल आपका ये ना होता। अफगानिस्तान तो 3 मैच जीत गया आप अभी तक 2 ही जीते हैं, उनसे भी हार गए हैं। तो इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है कि आप पहले एक्सेप्ट करें कि ये मसले मसाइल हैं।
टीम हमारी बिल्कुल मेडियोकर है, छठे सातवें नंबर की टीम बनती जा रही है, बन गई है और भी शायद नीचे चली जाए। हम उसको टॉप फोर में, आप 3 साल हो गए, 3 वर्ल्ड कप हो गए, 12 साल हो गए, आपने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किया, तो आप क्या खाक अच्छी टीम है? आप क्या टीम है आप फिर? तो बेहतर यही है कि आप इस तरह की जो जुगतबाजियों की बजाय कोई लॉजिकल कोई बात लिखें। इफ्तिखार चचा जी हमारा अच्छा है, तो इफ्तिखार चचा अच्छा है तो फिर इफ्तिखार चचा बीच मंझधार में छोड़ के चला जाता, इफ्तिखार चचा फिर खड़ा रहता ना ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, 70 गेंदों पे 100 चाहिए था, मैच को आगे लेके जाते, 13 ओवरों में 100, छोटा ग्राउंड फील्ड, वो ड्यू भी पड़ा हुआ, बाउंड्री भी छोटी, आखिरी 3 ओवर में वैसे भी उनका एक फील्डर अंदर आ जाना था, तो चचा जी कुछ कर लेते ना, भतीजों से हुआ तो ना चचे से हुआ, तो उस पोजीशन में आप दे देते विराट कोहली को, आपको मैच ऐसे निकाल के देता। अजीब बातें करते हैं आप। मेरा मैसेज ही पढ़ लीजिए रिस भाई, आपका जी मैसेज आ गया, मोहित दलाल साहब पढ़ लिया आपका मैसेज। गुड इवनिंग बोथ, फॉर अ ईयर और सो अफगानिस्तान को टॉप टीम के साथ ट्राई सीरीज खिलाओ, ये टॉप 3 बन जाएगी ऑल फॉर्मेट में, लव यू गाइस, मौसम भाई रॉक, रिज इज इंस्पायरिंग, शुभम जी थैंक यू वेरी मच, या दे गॉट द पोटेंशियल, नो डाउट अबाउट इट, दे आर शोइंग इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई मिसबा इतना ज्ञान देता है, ऐसे नहीं ऐसे खेलना चाहिए, कोई पूछे आपने 2007 में फाइनल में क्या किया, 11 में आपने क्या किया, और टीवी पे ज्ञान देते हैं जनाब, वाली में सही कह रहे हैं, बट टीवी पे ज्ञान देना आसान काम होता है ना, ग्राउंड में खेलना मुश्किल है जरा। दिस फॉर रिजवान भाई, आप पाकिस्तान शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग नेट रन रेट अगेंस्ट बांग्लादेश, कोई इस पे बात नहीं कर पा रहा, नहीं कर रहा, इफ पाकिस्तान विन ऑल मैचेस एंड ऑस्ट्रेलिया लूज 3, दे आर, देखिए ऑस्ट्रेलिया का तो हमें पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल है, न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड अगर 3 हारा पाकिस्तान जीता तो फिर चांस बनता है। भाईजान मैं नेट रन रेट पे भी बात नहीं करना चाहता, जो इन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, इन्होंने जो हमारे दिल तोड़े हुए हैं, लेट देम प्ले द वे दे वांट टू प्ले, जो होगा फिर कल के मैच के बाद ही होगा, लेकिन आपने बात कॉमन सेंस वाली की है, क्योंकि आगे इनका मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से है, तो कल ये एटलीस्ट माइनस से उठा के प्लस में तो लेके जाए, मैच जीते तो अच्छा जीतेंगे तब भी पॉसिबल होगा, आप पता लगे 3 जीत के भी बाहर हो गए, हाँ जैसे 19 में हुआ, तो आपकी बात पे दम है देवी एक्सप्रेस साहब। सुनील पॉल, प्लीज मेक व्लॉग ट्रैवलिंग मार्केट बाइंग स्टफ, जी आना जाना कहीं कम ही होता है, ज्यादा जाते तो, ही कहीं नहीं तो किधर से ट्रैवलिंग तो, करें, और ट्रैवलिंग में आप व्लॉग अगर मैं कभी डाल दूं गलती से 10-15 दिनों के बाद, तो आप देखते हैं 2-3 हजार लोग देखते हैं, आप इतना इंस्पायर करते हैं कि बंदा कहता है चलो रह नहीं दो, आप देखें कोई 40-50 हजार लोग देखें तो बंदा कोई इंस्पायर भी होता है, यार चलो ठीक है डाल देते हैं, तो रिजवान हैदर व्लॉग चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ 10-15 दिन में एक आधा डाल देता हूँ, आप लोगों का जितना इंटरेस्ट है उतना सा फिर मैं भी गोल डाल देता हूँ तो अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो फिर ज्यादा माल मिल जाएगा आपको, तो इंटरेस्ट ही आप नहीं दिखाते हम व्लॉग बनाने में, उसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है, जाओ रिकॉर्ड करो एडिट करो डालो और मसले मसाइल, आप देखते नहीं है तो फिर वो वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। फिर Isn't Dravid training the players? Only experiment is what matter. He will get credit only if India win final. Else, no one will be talk about. So sad. तो देखें अभी भी अगर नहीं जीतेगा इंडिया में वर्ल्ड कप सबसे अच्छी है तो जीतने के बाद ही फिर क्रेडिट मिलेगा ना। ब्रार को नहीं खिला सकते यार, वो रिजर्व में है, रावत साहब वो रिजर्व में है, न्यू कैप्टन और चेयरमैन जी जब होगा तो, अभी मिश्रा साहब इस पे क्या बताएं। I only said this because Mosum bhai said doodh aur dahi ki nehre nahi beh rahi. Anyways, forget it. I didn't mean to compare India Pakistan. I will give my email to connect. Ji, aap apna email. Yaar, Sameer bhai, abhi Adani ko aapki government ne kitna escape route diya hai. Ye Ambani's ko kitna diya hai. Chhodo yaar, ab rehne de. Aave na mera mukha. Pakistani players to India, bhej do training ke liye. Theek hai ji, bhej dete. Aap kar de please, sir. Sir, I think Afghanistan and South Africa match will be a quarter final. Afghanistan or South Africa? No, I don't think so. Bhaijan, abhi it's too early. South Africa aage hai race mein abhi. Gaurav Kohli Karina Akhtar ne aaj 2 month pehle shor macha rakha tha ki Ahmedabad mein Fanta lagega, Pakistan ki bowling tagdi hai, sabke samne Pakistan ki bowling hai wo. To bas fir wo puche jaake aap Akhtar bhai se. Akhtar
सत्या जी कह रहे हैं आई गॉट टू नो फ्रॉम अ सीनियर ऑफिसर दैट इंडिया विल नॉट प्ले चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान बीसीसीआई विल आस्क फॉर होस्टिंग बाय हाइब्रिड मॉडल नमस्ते एंड कोशिश करें बीसीसीआई को कहें कोशिश करें ये और रिजवान सर मौसम भाई वर्ल्ड कप 23 ना सही बाद में इंडिया विजिट बाद में इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे निखिल दुलानी साहब आर्ट नेशन प्लेयर गुरु क्रिकेट और शुड वर्क रिमेन टू नहीं नहीं यार 10 तो टीमें होनी चाहिए ये तो फिर इतना मजा तो रहे ना क्रिकेट की चर्चा कह रहे हैं ना मौसम सर व्हाई नॉट गिव चांस हुरैरा काफी नाम सुना है जी डोमेस्टिक का और पीसीबी एक चांस अख्तर को भी दे दे इतना बोलता है अख्तर प्लीज सपोर्ट ओवर क्रिकेट का चर्चा है भाई इनका क्रिकेट का चर्चा भी आप देखा करें जी भाई वो कहने की अख्तर को भाई पहली बात है अख्तर कभी नहीं लेगा ये रोल वो बड़ा चलाक है वो भां भां करेगा उसको फायदा इसमें है जैसे रमीज भां भां कर रहा है एक नंबर टू देखे हुरैरा आहिस्ता आहिस्ता उसको चांस मिल रहे हैं एंड द डे इज नॉट वार जब यही लड़के आगे आएंगे और ये रिप्लेस करेंगे इनको लेकिन देखे फॉर्मेट टू फॉर्मेट बड़ा वैरी करता है हम लोग T20 की परफॉर्मेंस पे टेस्ट खिलाना चाह रहे हैं टेस्ट की परफॉर्मेंस पे T20 वनडे क्रिकेट पे हमारा अब एक साल बाद हमने वनडे क्रिकेट खेलनी है नवंबर में अगले साल 2024 ना कोई टूर अरेंज करते हैं इलिटरेट्स है क्रिकेटिंग जाहिल है क्या बोलूं रिश्तेदारों में देखें एक तो इसका भी कह रहे हैं ये भी लगा हुआ है इसकी भी ग्रेजुएशन नहीं है ये क्या कहते हैं आपका तो ये ग्रेजुएशन वाला तो यूं उड़ा देंगे ये कोई मसला ही नहीं है और बाकी शुएब अख्तर भी ही इज नॉट ग्रेजुएटेड वो तो, भी कोई मसला नहीं है तो बाकी है कि वो बात सही है मोहसिन भाई की टीवी में बैठना थोड़ी देर बैठना उधर उसको रगड़ना ये किया वो किया वो किया वो काम आसान है उसके भी पैसे ठीक ठाक ले लेते हैं बहुत पैसे हैं तो बजाय इसके कि ग्राउंड में जाना प्लेयर्स को के साथ गपशप करना किसी को कोई चार बातें बताना करना जिम्मेदारी लेना वो इनके बस का काम टीम की हार जीत पे क्रेडिट या क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना वो औखा काम है फैमिली से दूर सबसे दूर करना मेहनत करना तो उस पर ज्यादा मेहनत लगती है उस पर रिटर्न कम है यहाँ पे फैमिली से उठ के गए जाके टीवी में बैठे थोड़ा चार बातें बोली इधर उधर बोली वापस आ गए पैसे मिल गए एजेंडा एजेंडा चलाओ तो काम हो गया वरना इन्होंने टेक्निकली जब ये अच्छी पोजीशन में भी हुआ करते थे कभी कोई मैच नहीं जीता इंडिया से वर्ल्ड कप में भाई जब तुमने वर्ल्ड कप जीता तब भी नहीं जीता 96 में 99 में फाइनल में पहुंचे तब भी नहीं जीता ये था ना शुएब अख्तर दो दफा पीटा वर्ल्ड कप में इंजमाम भी था भाई इंजमाम था वसीम वगैरह ये सारे मतलब दो दफा ये शुएब अख्तर भी था 2003 में भी छक्के खाए इतने बस बातें ही हैं बातें करवाते जाए जितनी उसमें कौन सा कोई फर्क पड़ता है एक के बाद एक बातों के में पैसे नहीं लगते बिगेस्ट प्रॉब्लम इन पाकिस्तान टीम इज माइंडसेट बस जी माइंड से ये लगता है माइंडसेट जब आपका माइंड को ये पुरसुकून नहीं रहने देंगे तो ये होगा पंकज जी ईशान कह जना फाइनल पक्का तो कब पक्का बस सेमी का डर है करंट टॉप फोर विल प्ले सेमीफाइनल मौसम भाई विच टीम अमंग थ्री कुड अपसेट इंडिया लव यू बोथ शुड पांड्या रिप्लेस अय्यर दो तीन बातें बोल दी आपने देखिए इंडिया की प्लेइंग 11 बड़ा मैटर करता है तकदीर लक जिसे कहते हैं डेस्टिनी जिस तरह रोहित उसके लड़के खेल रहे हैं मेरा नहीं ख्याल है ये प्रेशर लेंगे फाइनल है सेमीफाइनल है डोंट केयर अबाउट दिस इंडिया को सबसे बड़ा खतरा इंडिया से आज तो मैंने देखा कई ये मेरी लाइन जो है कईयों ने हेडलाइनें लगा दी हैं यार अंदाजा लगाई चोरी की भी कोई हद होती है इंडिया को इंडिया से खतरा है सबसे बड़ा ईशान जी देखें अब बात यह है कि तीनों से जिसके साथ भी सेमीफाइनल आएगा वो घबराएंगे कि इंडिया के साथ ना आए होम क्राउड है इंडिया होम क्राउड में खेल रहा है अच्छे रिदम में है टीम अच्छी है बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है बेहतरीन है तो किसी का भी सामना कोई तीनों टीमें जो भी आएगी वो कतराएंगी कि यार इंडिया से ना आए किसी और टीम से आ जाए होम टीम से ना आए हाँ और जिस फॉर्म में इंडिया ये एक और बहुत बड़ी वजह होम टीम भी है फॉर्म में भी है बेहतरीन भी खेल रही है सारे मैच अभी तक जीते भी हुए हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जो भी सामने आए वो जो है घबराएंगे कि यार इंडिया के सामने ना ही आए बाकी देखें फिर आप क्रिकेट है फेवरेट तो इंडिया ही है की भी दो हारें होगी है फेवरेट तो इंडिया ही है अब इट्स गेम ऑफ क्रिकेट दूसरी जो आपने बात बोली एंड पे
पांड्या रिप्लेस कर लीजिए अय्यर को, ठीक है? और हाँ तो चले ठीक है मौसम भाई, मिलकर बात करेंगे तो मजा आएगा। टिल देन ऑनलाइन क्रिकेट पर ही शुगर लगा रहे तो भाईजान आप खुद पंगे ले रहे हैं, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ना करें ना करें, आप समझ ही नहीं रहे हैं। तो कह रहे हैं क्रिकेट पे ही मजे तो ले रहे हैं, क्रिकेट पे मजे लेना। पाकिस्तान की टीम के मजे देखिए, इफ यू डिसरिस्पेक्ट समवन अदर तो अदर आल्सो हैड द सेम राइट टू शो द मिरर। हाँ चलो आप मजे लो यार, पाकिस्तान की टीम मजे के तो लेना, मजे। आप क्रिकेट पे मजे ले रहे हैं, हम क्रिकेट पे है। जब आप दूसरी चीजों पे आएंगे तो मैं तो रिप्लाई करूंगा। देखो जी मोहित जी, आपका दूसरा मैसेज यही आया कि मेरा मैसेज ले ले, तो दो दफा मैं ये पढ़ चुका हूँ, तो आप जिन्हें जो बात करनी है आप वो बात तो करें। वो बताए ना बच्चे, पहले आपने मैसेज किया जी मेरा इंडिया मैसेज, आया हुआ आजकल, जरा छुट्टियां है ना अभी बच्चे, फिर आप कह रहे मेरा, आपका मैसेज आ रहा है सामने, कहा है मैसेज? लेकिन बीच में जो आप कहना चाहते हैं वो तो लिख दो यार, क्या कहना चाहते हो? सही बात। सॉरी दिस इज टू लेट टू डिस्कस बट एक क्वेश्चन अगेन, अफ्रीका बाबर ने 40 ओवर के बाद फील्डिंग क्यों फैला दी और अफ्रीका सिंगल लेके आया, स्ट्रगल कर रहा था टेल एंड जी और चांस भाई जान, बाबर का मिला। प्रॉब्लम हमने 1 करोड़ दफा डिस्कस किया, उसका कप्तानी का मटेरियल नहीं है। दिस इज द सिंपल आंसर। तो भाईजान ब्लंडर तो बेताशा किए हुए हैं, ये दो अलहदा बातें हैं कि टीम की परफॉर्मेंस, उसकी कप्तानी, वो तो बिल्कुल थर्ड क्लास चल रही है। जो यहाँ पीसीबी ने कर रहा है वो एक अलहदा टॉपिक है, वो तो घटिया परफॉर्मेंस कर ही रहे हैं। तो बस आपकी देवी साहब, अब ऐसी कप्तानी आप देख लें, हु विल द चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान विल होस्ट, ये तो सर 2 साल में दो पता साल नहीं क्या होगा अभी। समित अब पाठ साहब, ये तो 2 साल बाद ही पता लगेगा। बांग्लादेश विल प्ले देयर बेस्ट क्रिकेट टुमारो, और ठीक है जी रोहित मुंद्रा साहब हमारे सर खिलाफ सर है असी के साइकिल लैन जा रहे हैं, उते आ जा ते बह जा साइकिल ते आ जा। तो ये सब हमारे खिलाफ ही बेस्ट खेलते हैं, मतलब तो नीदरलैंड ने उनको वहां फेल दिया तो हमारे खिलाफ वो बेस्ट क्रिकेट निकालेंगे और हम वहां बैठ के कहेंगे जरा और बेस्ट करें। हाँ अच्छा जी, तो चलो देखते हैं कि कितना बेस्ट वो करेंगे। रिजवान मोहसिन भाई, पाकिस्तान नीड्स टू ड्रास्टिकली इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ इट स्टेडियम एंड ठीक है, होटल होटल फैसिलिटीज। फैसिलिटी भाईजान यहाँ टॉप नॉच है, स्टेडियम आपकी बात सही, आगे चले। Amongst other for 2025 tournament has it started? Please नो elaborate. नॉट नथिंग येट, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ये बात आपकी है ना, ये आपने पॉइंट वाली बात की है। होटल्स की आप चिंता ना करें, ऐसे कमाल के होटल हैं कि एक दफा आप भी चकरा जाएंगे, आप आइएगा तो सही ना। बहुत बेहतरीन होटल फैसिलिटीज मौजूद हैं यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, ग्राउंडों के हालत बुरी है, ग्राउंड जो हैं वो उस पे, लाहौर वाला तो चलो ठीक वो तो है, हेडक्वार्टर है ना इनका, हाँ कराची मुल्ताना बुरा वाले हाल है अच्छे हैं, कराची का रिजवान साहब। मतलब ये कि पुराने हैं एस्टेब्लिश हैं, उनको बेहतर करें रेनोवेट करें, बाकी ये पिंडी में तो पिंडी पानी नहीं है, वॉशरूम्स का बुरा हाल है। वाले में टोटल 15,000 बंदे बैठे होते हैं, तो थोड़ा उसको बढ़ाएं कुछ करें। कोई पेशावर वाला हम सुन ही रहे हैं 2 सालों से बन रहा है बन रहा है बन रहा, पता नहीं कब बन रहा है, जो थे भी एक जमाने में गुजरा वाला, सब शेखुपुरा, फारग कर दिए, सियालकोट, सब कुछ उधर कुछ भी नहीं होता है, फारग। हैदराबाद कख भी नहीं, तो इस पे काम करने की जरूरत है, बिल्कुल है जरूरत। पाकिस्तान 350 की तरफ क्यों नहीं देखता, इनकी अप्रोच ही नहीं लगती जनाब, और अपने पर्सनल रन ही देखते रहते हैं, गेम छोड़नी पड़ेगी नहीं। नहीं गौरव कोहली साहब ऐसा ही है, 350 वाली अप्रोच से, पहले बैटिंग करे तो इन्होंने कभी की नहीं, वो तो जब दूसरी टीम इनको कुट पन के तोड़ तोड़ा के 350 कर देती है, फिर ये मजबूरी के तहत उस तरह खेलने की कोशिश करते हैं और वो कभी कभार हो जाता है। तो पहले बैटिंग करते हुए तो ये 350 तो इनकी, मैंने तो कभी इंटेंशन ही नहीं देखी 350 वाली। चिराग तनेजा जी कहें जना, लव यू बोथ, आई वॉज देयर अहमदाबाद फॉर पाकिस्तान इंडिया, द एनर्जी रेजोनेटेड बाई ऑल पाकिस्तानी प्लेयर्स वर नॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, विश पाकिस्तान विल बाउंस बैक। थैंक यू जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही बात बोली। हिरीस भाई गुस्सा, नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ आप जो कहना चाहते हैं आप लिखे, आपके मैसेजेस की बारी आ रही है, सबके मैसेजेस मैं पढ़ता हूँ बारी बारी। लिखा था कि अफगानिस्तान इज लाइक अ फोनिक्स बर्ड राइजिंग फ्रॉम द एशेज, व्हाट अ बटरी चेस। एंड मोहसिन अंकल एंड रिस भाई नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम, नमस्ते। जी मोहित जी, मैं आप पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, मैं किसी पे गुस्सा नहीं करता, और बाकी जो आपकी बातें हैं बिल्कुल सही बात है, बहुत ही मक्खन मलाई चेस किया उन्होंने, आराम सुकून से मजेदार किस्म का, विदाउट एनी ड्रामा।
तो अब देखते हैं, कल हमारा मैच है जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, कोलकाता में खेला जाएगा। तो आई होप कि हमारे वाले कुछ अच्छा करें, बाकी उस पर डिटेल में कल ही बात होगी। सही है, फिर कल इंशाल्लाह टॉस के टाइम पे आपसे मुलाकात होती है। अफगानिस्तान को फिर हाँ, मुबारकबाद। ख्याल रखिए अपना, और जाते जाते अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया अभी तक, तो क्यों नहीं किया? तो ये वीडियो भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, ख्याल रखिए अपना, लव यू, बाय बाय। गुड नाइट। हर जुबान पे ये लफ्ज चढ़ा है, हो जश्न ये सबसे बड़ा है।